हे वी एस, माई सेल्फ हर्षिका। तो मैं आपको पेपर नंबर 5 कराने वाली हूँ। तो हम इस वीडियो में यूनिट नंबर 1 की बात करेंगे। बहुत ही सिंपल एंड ईजी यूनिट है, बहुत जल्दी से हो जाएगी। पेपर का नाम है करिकुलम डेवलपमेंट, और 1.1 में हमें करिकुलम की डेफिनेशन, मीनिंग और कॉन्सेप्ट के बारे में समझना है। तो सीधा डेफिनेशन पे जाने से पहले मैं आपको एक बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल देती हूँ। आपको पता है आपके 6 पेपर है फर्स्ट ईयर में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जिसका आपको पहले से ही प्रिंट दिया गया है। आपको पता है पहले से ही कि आपको फर्स्ट ईयर में क्या क्या करना है, कौन से पेपर में कौन सा टॉपिक है, और उस टॉपिक में भी क्या क्या पढ़ना है। तो इसी को करिकुलम कहा जाता है, सिलेबस कहा जाता है, कि आपको पहले से पता हो कि आपको किस नॉलेज पे वर्क करना है। और साथ में किस लिए बनाया जाता है करिकुलम, कि आप इस वाले सेक्टर में डिप्लोमा कर रहे हो, स्पेशल एजुकेशन में, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के डिपार्टमेंट से, तो इस फील्ड में आपकी नॉलेज इनहेंस करने के लिए। तो यही करिकुलम की डेफिनेशन बनती है, कि करिकुलम इट इज़ अ प्लान्ड नॉलेज एंड स्किल्स। प्लान मिला आपको, पहले से प्लान मिला है एक सिलेबस की फॉर्म में प्रिंटेड, दैट स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू लर्न। जो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप सीखो, उसे याद करो, विच इंक्लूड्स द लर्निंग स्टैंडर्ड्स और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। इसमें इंक्लूड है कि आपके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स और स्टैंडर्ड लेंगे, आपको किस लेवल तक का करना है और क्यों करना है, ताकि आप मल्टीपल डिसेबल्ड चाइल्ड्स के साथ वर्क कर सको। दे आर एक्सपेक्टेड टू मीट, मतलब आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको ये 6 पेपर का सिलेबस गिवन है, आपको ये जो करिकुलम अपना सिलेबस गिवन है, ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इसे गेन कर लोगे। अब ये वाली लाइन क्यों आई, एक्सपेक्टेड टू मीट वाली? आप कॉलेज में हो, आप, हमें पता है, या फिर जो भी सिलेबस बना रहे हो उसे मालूम है कि आप ये चीज़ कर सकते हो, इसलिए आपके सिलेबस में डाला ना। फर्स्ट क्लास का बच्चा है, उसे काउंटिंग, टू डिजिट एडिशन, 3 डिजिट सब्ट्रैक्शन, ये सब कराया जाता है? सीधा बिल्कुल ही ट्रिग्नोमेट्री पे तो नहीं पहुंच जाते, बेसिक से कराया जाता है, क्योंकि हमें पता है कि वही उसके सिलेबस में डालना है जो हमें एक्सपेक्टेड हो कि वो उस चीज़ को अचीव कर पाएगा। ये नहीं कि दुनिया जान का कोई भी चीज़ें डाल दो सिलेबस बनाने के लिए, नहीं, उस लेवल को देख के एक सिलेबस, एक करिकुलम सेट करेंगे तो बच्चे अचीव कर सकते हैं। अब डेफिनेशन और मीनिंग हमने कर लिया। 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया करिकुलम से रिलेटेड। तो डेफिनेशन और मीनिंग के बाद आप करेक्टरिस्टिक्स भी लिख सकते हो, इसलिए कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। पहला, इट इज़ बेस्ड ऑन नीड्स ऑफ द पीपल। पीपल की नीड्स के बेसिस पे बनाया जाता है। जैसे कि आप डिप्लोमा करके स्पेशल एजुकेशन की फील्ड पे जाने वाले हो, तो आपकी नीड है कि आप इस बारे में पढ़ो, आपको मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के बारे में, उन बच्चों से डील करने के बारे में पता होना चाहिए, तो नीड्स के बेसिस पे बनाया जाता है। सेकेंड, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग टर्म एफर्ट्स की, लॉन्ग, काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करके, बहुत लंबा प्रोसेस होता है करिकुलम बनाने का। ये नहीं कि चलते फिरते ने पॉइंट लिख दिया और वो करिकुलम में आ जाता है, नहीं, पूरा हर पर्सपेक्टिव को देख के, बच्चे की एज को देख के, बच्चे को लेवल को देख के, कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा, कोई वीक बच्चा है, दोनों ही सेम लेवल से उस करिकुलम को कम्प्लीट कर पाएँ, ये सारे ही पर्सपेक्टिव्स को देख के एक करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है। नेक्स्ट, इट इज़ कॉम्प्लेक्स ऑफ डिटेल्स, मतलब कि आपको भी दिख रहा होगा कि आपका पेपर है, पेपर 1 है, फिर उसमें यूनिट 1 to 5 है, फिर उसमें भी 1.1, 1.2, इस तरह से बहुत सारे टॉपिक्स है, फिर 1.1 में भी 3-4 चीज़ें पूछ लेता है, कैसे? और वो भी सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती है, कैसे? क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी के साथ बनाया जाता है करिकुलम, बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स होती हैं इसमें, आपको हर चीज़ की अलग अलग डिटेल मिलती है एक करिकुलम में, जिससे क्लियर रहे कि बच्चे को ये करना है तो इस लेवल तक करना है, इतनी डिटेलिंग के साथ करना है। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स फॉर लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। एक लॉजिकल सीक्वेंस पे बनाया जाता है। पहला पेपर आपका क्या था, इंट्रोडक्शन टू मल्टीपल डिसेबिलिटी। ये इन्होंने पेपर नंबर 6 क्यों नहीं दिया, क्योंकि एक प्रॉपर सीक्वेंस में करिकुलम बनाया जाता है, बनाने वाले को पता है कि हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना होता है, इसलिए उसने पहला पेपर इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी डाला। तो इसलिए करिकुलम एक वेल सेटेड सीक्वेंस में बनाया जाता है। आई होप इतने करेक्टरिस्टिक्स बहुत होंगे। अगर हम और की बात कर ले तो ये एजुकेशनल क्वालिटी होता है, क्वालिटी पे ध्यान देता है कि हाँ ठीक है बच्चा कर रहा है काम तो वो क्वालिटेटिव हो, ये नहीं कि कुछ भी करे जा रहा है। अगर इंपॉर्टेंस की बात कर ले करिकुलम की, तो ये हमारे पहला ऑर्गेनाइज्ड पाथ टू एक्वायर नॉलेज, ये हमें एक ऑर्गेनाइज्ड पाथ, मतलब कि पूरा रास्ता सामने दिखाता है नॉलेज प्रोवाइड करने का। करिकुलम आपने सिलेबस देखा, आपके पास पूरा का पूरा रास्ता दिख गया आपको कि अच्छा ये पढ़ के, ये पॉइंट्स करके मेरे को इस डिप्लोमा लेवल में नॉलेज मिल जाएगी। सेकेंड, डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्टेंट, कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसका पूरा स्ट्रक्चर भी डिसाइड करता है।
थर्ड डिफाइनिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड्स बच्चे को कराना है, बट कैसे कराना है, जैसे कि आपके सिलेबस में प्रैक्टिकल्स भी हैं, TLMs भी बनाना है आपको बहुत सारे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, क्यों, क्योंकि आपको वो इंस्ट्रक्शनल्स भी प्रोवाइड कर रहा है कि आपको ठीक है आपने ये सीख लिया, बच्चे को ये काम कराना है, कैसे कराना है, TLM से कराना है, तो इसलिए आपको इंस्ट्रक्शनल मेथड्स भी प्रोवाइड करता है। फोर्थ, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज स्किल्स एंड एप्टीट्यूड, एक करिकुलम इस तरह से डिवाइड बनना चाहिए, डिज़ाइन होना चाहिए कि हमारे नॉलेज स्किल्स एटीट्यूड्स को एप्टीट्यूड्स को डेवलप करें। तो इसी के साथ हमारा 1.1 कंप्लीट होता है। तो अब 1.2 में हम बात कर लेते हैं प्रिंसिपल्स की, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, जिसमें पहला प्रिंसिपल रहता है गोल ओरिएंटेड। हम एक कोई भी टास्क करिकुलम में ऐड करते हैं एक गोल्स डिसाइड करके कि हम उस बच्चे को कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं, कोई गोल होता है ना वो एक्टिविटी करवाने का, उस गोल को अचीव करने के लिए, तो इसलिए हमेशा करिकुलम गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। सेकंड, नीड बेस्ड होना चाहिए, बच्चे की क्या नीड्स हैं उस चीज़ को ध्यान में रख के करिकुलम बनाना चाहिए, ये नहीं कि आप कोई भी एक्टिविटी अपनी मर्जी से डाल दो, नहीं, बच्चे की नीड्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए। थर्ड, एज बेस्ड, कि बच्चे की एज को देख के बनाना चाहिए, बच्चे की एज क्या है उस एज से वो एक्टिविटी रिलेट करती है नहीं करती। हमने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक डाल दिए करिकुलम के तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए एज बेस्ड भी होना चाहिए करिकुलम। फोर्थ, लेवल अप्रोप्रिएट, एक लेवल के बेसिस पे बनाया जाता है, सभी को पता है कि इस डिप्लोमा में 12th पास बच्चे आए हैं, क्यों, क्योंकि पता है कि 12th पास बच्चा ये चीज़ कर सकता है। ऐसे ही जैसे आपको DT प्लेस भी देना है तो उसका एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी CTET पास होना चाहिए, तो लेवल बेस्ड हुआ ना ये, कि जिसका CTET क्लियर हो इस लेवल पे हो वही DTS भी दे सकता है। ऐसे ही डिप्लोमा का जिसका 12th हो वही डिप्लोमा कर सकता है, जिसने डिप्लोमा किया हुआ हो वही BEd कर सकता है, या ग्रेजुएशन किया हो तो ही BEd कर सकता है। तो ये आपको लेवल बेस्ड होता है कि किस लेवल का आपको आता है और किस लेवल का आपको सिखाना है। नेक्स्ट, क्रिएटिव होना चाहिए, यानी बहुत ही सिंपल सा हमने करिकुलम दे दिया, जैसे आपका बहुत ही सिंपल सा बनाया जा सकता था कि ठीक है डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ लो, बट नहीं, उसको क्रिएटिव करने के लिए इसमें TLMs भी डाले, फाइल्स भी डाली। नेक्स्ट, अप टू डेट होना चाहिए, यानी कि हम जैसे कि पहले DB था, अब उसको चेंज करके MD कोर्स बना दिया गया, बट करिकुलम भी तो चेंज हुआ है ना, इसका करिकुलम कोई और था, इसका करिकुलम कोई और है, तो ऐसे ही अप टू डेट रहना चाहिए। अगर नए नए चेंजेस आ रहे हैं, नई एजुकेशनल पॉलिसी आ रही है, तो उसके बेसिस पे करिकुलम बनता है। स्पेशल स्कूल और नॉर्मल स्कूल अलग अलग थे, लेकिन अब इंक्लूसिव होते हैं जिसमें दोनों तरह के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, तो उसके बेसिस पे करिकुलम बनाया जाता है, उसके बेसिस पे सिलेबस बनाया जाता है, तो ये भी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि अप टू डेट हो करिकुलम। नेक्स्ट, कॉम्प्रिहेंसिव, उसमें सारी चीज़ें कवर होनी चाहिए, ये नहीं कि बच्चे के एक ही चीज़ पे सिर्फ मैथ्स भी फोकस हो रहा है या फिर सिर्फ लैंग्वेज भी फोकस हो रहा है, नहीं, हर चीज़ों में हमें उसे कंबाइन करके बनाना चाहिए। आई थिंक इतने प्रिंसिपल्स बहुत हैं, काफ़ी मैंने आपको बता दिया है, तो इसी साथ हमारा 1.2 भी कम्प्लीट होता है, क्योंकि हमें इसमें सिर्फ प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट के बारे में बात करनी थी। अब हम बात करते हैं 1.3 की, इसमें हमें बात करनी है टाइप्स ऑफ करिकुला के। तो हमारे पास टोटल 4 टाइप्स के होते हैं, डेवलपमेंटल, फंक्शनल, इकोलॉजिकल एंड इलेक्टिव। अब इन चारों को हम एक एक करके समझते हैं। डेवलपमेंटल करिकुलम होता है जो डिज़ाइन किया जाता है जो भी बच्चा फिजिकल या फिर कॉग्निटिव लेवल पे इम्पेयर्ड है, जो उसकी डेवलपमेंट में दिक्कत कर रहा है, उस चीज़ को दूर करने के लिए डेवलपमेंटल करिकुलम बनाया जाता है कि बच्चे की डेवलपमेंट पे कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े, बच्चे का डेवलपमेंट ना रुके, इस चीज़ के लिए डेवलपमेंट करिकुलम बनाया जाता है जो बच्चे के फिजिकल प्लस कॉग्निटिव ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए वर्क करता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अ करिकुलम डिज़ाइन फॉर लर्नर्स विथ सीवियर कॉग्निटिव और फिजिकल इम्पेयरमेंट रिफ्लेक्टिंग देयर डेवलपमेंटल स्टेज, मतलब कि कोई भी फिजिकल या कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट जो उसके डेवलपमेंट स्टेज पे अफेक्ट डालता है। नेक्स्ट, फंक्शनल करिकुलम की अगर हम बात करें तो ये करिकुलम बनाया जाता है बच्चे के फंक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए। अब कौन से, ADL, सबसे पहले हम ADL की बात करते हैं फंक्शनल करिकुलम में। ADL में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, कौन कौन सी, ब्रशिंग, टॉयलेटिंग, बाथिंग, ड्रेसिंग, ग्रूमिंग, ईटिंग, मोबिलिटी, ये सभी आते हैं ADL में। तो फंक्शनल करिकुलम में सबसे पहले इन्हीं चीज़ों के बारे में बात की जाती है कि हम बच्चे के बेसिक फंक्शंस पे डील करें, उसको बेसिक फंक्शंस में इंडिपेंडेंसी प्रोवाइड करें, ये नहीं कि बच्चा अपने ADL एक्टिविटीज़ के लिए भी दूसरों पे डिपेंड है। नेक्स्ट, इकोलॉजिकल करिकुलम, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जहाँ पे इकोलॉजिकल वर्ड आ जाए, इकोलॉजिकल वर्ड देखते ही समझ जाओ कि वहाँ इन्वायरमेंट से रिलेटेड है कुछ। तो इसी तरीके से इकोलॉजिकल करिकुलम प्लान किया जाता है इन्वायरमेंट के व्यू ऑफ पॉइंट से, जिसमें हम बच्चे को सिखाते हैं बच्चे की लाइफ के बारे में, रिहैबिलिटेशन के बारे में, हैबिलिटेशन के बारे में, कि बच्चा अपने इन्वायरमेंट से क्या सीखता है, उसका इन्वायरमेंट बच्चे की डेवलपमेंट पे क्या असर डालता है।
पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट या क्लीन इन्वायरमेंट है, बच्चा गांव में रहता है या शहर में रहता है, ये सब चीज़ें करिकुलम इकोलॉजिकल करिकुलम में आती हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करिकुलम डेवलपमेंट, ये सबसे अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी स्टिकनेस नहीं होती कि हमें सिर्फ फंक्शनल डेवलपमेंट पे, सिर्फ फंक्शनल सेक्टर पे काम करना है या फिर सिर्फ इकोलॉजिकल सेक्टर पे काम करना है। ये इलेक्ट्रिक करिकुलम एक ऐसा करिकुलम है जहाँ पे सारे अच्छे आइडियाज़ को एक साथ लिया जाता है। ज़रूरी नहीं है चाहे वो किसी भी सेक्टर से हो। अगर मैं आपको एक सिंपल सी लाइन बताऊँ इसकी, तो इट इज़ अ फिलोसफी ऑफ चॉइस। मीन्स बच्चे की चॉइस पे डिपेंड होता है, उसकी लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, आदतें क्या है, इंटरेस्ट क्या है, और इन सब में से निकाला जाता है बेस्ट पार्ट। उस बेस्ट पार्ट को लेकर करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है कि बच्चे को हम उसके बेस्ट पोटेंशियल तक पहुँचाएंगे। इसी के साथ हमारा 1.3 भी कंप्लीट होता है। मैंने आपको बेसिक बेसिक बता दिया कि चारों करिकुलम का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट 1.4, इसमें हमें करना है अप्रोचेस ऑफ करिकुलम ट्रांजेक्शन, चाइल्ड सेंटर्ड, एक्टिविटी सेंटर और हॉलिस्टिक। मीन्स अप्रोचेस क्या होते हैं करिकुलम ट्रांजेक्शन के, तीन होते हैं, चाइल्ड सेंटर, एक्टिविटी सेंटर और हॉलिस्टिक। इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। तो चाइल्ड सेंटर होता है जो बच्चे को लेके वर्क करता है, इसमें बच्चे को एक पौधे की तरह माना जाता है। चाइल्ड सेंटर होता है कि पहले कैसे पढ़ाई होती थी कि टीचर आता था, पुराने ज़माने की बात कर रही हूँ, टीचर आता था वैसा समझता था कि मैं एक बॉटल हूँ, बच्चा दूसरी बॉटल है, वो उसमें पानी डाल रहा है अपनी नॉलेज का, चाहे बच्चे का इंटरेस्ट हो ना हो, बॉटल भर गई हो या बॉटल में छेद हो, उसको कुछ समझ ही ना आ रहा हो, पानी बाहर ही आ रहा हो, कोई मतलब नहीं होता था। बट आज के टाइम में चाइल्ड सेंटर होता है जिसमें बच्चे को एक पौधा माना जाता है, उसे टाइम पर खाद दी जाती है, प्रॉपर धूप दी जाती है, प्रॉपर पानी दिया जाता है। इसी तरह से बच्चे को हर चीज़ प्रोवाइड की जाती है जो उसके अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छे डेवलपमेंट के लिए उसकी हेल्प करे। पूरा फोकस बच्चे पे होता है। एक बार को हम एक्टिविटी को थोड़ा सा साइड रख सकते हैं, बट बच्चे का डेवलपमेंट नहीं, इस पर बच्चे को प्रायोरिटी माना जाता है। यही सेकंड है एक्टिविटी सेंटर्ड, इसमें पूरा का पूरा मेन फोकस होता है एक्टिविटी पे, इस पर कोई मतलब नहीं है बच्चे के लाइक्स पे, डिसलाइक्स पे, इंटरेस्ट पे नहीं, मेन फोकस है कि एक्टिविटी पूरी होनी चाहिए। आपका एक करिकुलम है, सिलेबस है, ये कंप्लीट होना चाहिए, चाहे कैसे ही कंप्लीट हो, बस आपका कंटेंट पूरा होना चाहिए, पूरा फोकस एक्टिविटी पर रहता है, नाम से पता लग रहा है एक्टिविटी सेंटर्ड। नेक्स्ट हॉलिस्टिक करिकुलम, ये सबसे बेस्ट करिकुलम होता है और आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स या स्कूल मान लो तो मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस में यही यूज़ किया जाता है। हॉलिस्टिक करिकुलम होता है जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड भी होता है और एक्टिविटी सेंटर्ड भी होता है। किस तरह, क्यों, उन्हें पता है हमें ये सिलेबस करवाना है, ये एक्टिविटी करवानी है, बट बच्चे के लाइक्स और डिसलाइक्स को भी देखा जाता है कि क्या पता बच्चे को इस तरह से ना समझ आ रहा हो तो दूसरा तरीका यूज़ किया जाता है, वो भी ना आ रहा हो तो और कोई मेथड ट्राई किया जाता है। बट हम बच्चे की लाइक्स डिसलाइक को भी इंक्लूड करते हैं, बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है नहीं ले रहा, इस चीज़ को भी महत्व दिया जाता है, और इन्हीं सभी चीज़ों को इंक्लूड करके हम अपने गोल को अचीव करते हैं। तो इसी के साथ हमारे तीनों अप्रोचेस कंप्लीट होते हैं। अब हम लास्ट आते हैं 1.5 की तरफ, जो है पॉइंट्स टू कंसीडर फॉर डेवलपिंग करिकुलम ऑफ स्टूडेंट्स विद डाइवर्स लर्निंग नीड्स। मतलब कि हमें क्या क्या पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए एक करिकुलम बनाते टाइम। अब आप ध्यान रखना है, जैसे ही ये वाला क्वेश्चन आया ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग के बेसिस पर आंसर लिखना है। मतलब कि एक आपको रास्ता प्रोवाइड करता है जो सारे बैरियर्स को, सारी रुकावटों को दूर करता है जो बच्चे की लर्निंग में दिक्कत पैदा कर रही है। तीन की एरियाज होते हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए। पहला रिप्रेजेंटेशन, कि हम बच्चे को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कंटेंट किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ आते हैं टीचर्स आके एज अ लेक्चर के वे में रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ प्रेजेंटेशन लाइक ड्रॉ करते हैं या फिर स्मार्ट बोर्ड का यूज़ करते हैं। तो पहला देखा जाता है कि हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखा जाता है बच्चे का एंगेजमेंट क्या है, बच्चा कितना पार्टिसिपेट कर रहा है एक्टिविटी में। हमने डिलीवर तो कर दिया कंटेंट, बट उसका पार्टिसिपेशन क्या, बच्चा सामने से क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर आप उससे पूछो तो वो आपको आंसर दे रहा है, ये होता है बच्चे का एंगेजमेंट। इसके बाद आता है थर्ड लास्ट एक्सप्रेशन, मीन्स हाउ स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेट वट दे हैव लर्न। मतलब कि बच्चा किस तरह से दिखा रहा है उसने कितनी चीज़ सीख ली है। तो UDL जैसे आपसे पूछे कि पॉइंट्स बताओ एक करिकुलम डेवलपमेंट के टाइम पे, तो आपको UDL लिखना है, यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग, इसके बेस पर आंसर लिखना है। UDL के मेन थ्री की एरियाज होते हैं रिप्रेजेंटेशन, एंगेजमेंट एंड एक्सप्रेशन। तो इसी के साथ हमारा 1.5 भी कंप्लीट होता है। इतना ही मेन बेसिक था 1.5 में। तो यहीं पे आपका यूनिट 1 ख़त्म होता है।
तो यूनिट नंबर 2 का नाम है मॉडल्स ऑफ करिकुलम इन स्पेशल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें हमें स्पेशल और इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड सारे करिकुलम्स के बारे में पढ़ना है। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे 2.1 के साथ, जिसमें हमें देखना है सबसे पहले मॉडल्स ऑफ करिकुलम एंड देयर एप्लीकेशंस टू वेरिड एजुकेशनल सेटिंग्स, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन करिकुलम डेवलपमेंट। सबसे पहले हमारे पास आता है होम बेस्ड इंटरवेंशन। हमारे पास दो तरह के इंटरवेंशन होता है, होम बेस्ड इंटरवेंशन एंड सेंटर बेस्ड इंटरवेंशन। होम बेस्ड इंटरवेंशन में होता है जब एक एजुकेटर और यू कैन से अ प्रोफेशनल आपके घर पे विजिट करता है। ये मेनली बेनिफिशियल होता है रूरल एरियाज में, जहाँ से आपकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज और इसे हॉस्पिटल्स काफ़ी दूर पड़ते हैं। इसके लिए आप होम बेस्ड इंटरवेंशन को अडॉप्ट कर सकते हो, जिसमें आपको स्पेशलिस्ट आपके घर पे आके बच्चे को एसेस करता है एंड सेशंस प्रोवाइड करता है। यही आता है हमारा होम बेस्ड इंटरवेंशन। नेक्स्ट हम आते हैं सेंटर बेस्ड इंटरवेंशन पे, जिसमें हमें बच्चे को सेंटर पर लेके जाना होता है, क्लिनिक्स पे लेके जाना होता है, हॉस्पिटल लेके जाना होता है। उधर कोई भी प्रोफेशनल आपके घर पे विजिट नहीं करता है, बच्चे को ही प्रोफेशनल के यहाँ विजिट करवाना होता है। और ये भी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक होता ना कि हर चीज़ के अगर एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब वो होम बेस्ड में वो आपके घर पे आ रहा है, मगर घर पे आपको सारे टूल्स या फिर मशीन्स नहीं मिल पाएंगी। वहीं अगर सेंटर बेस्ड है, आप एक क्लिनिक पे जा रहे हो, तो आपको वहाँ पे सारी मशीन्स मिल पाएंगी, टूल्स मिल पाएंगे, सारे जो भी चीज़ों की नीड होती है सब आपको एक अच्छे लेवल पे प्रोवाइड हो पाएगा। वहीं होम बेस्ड में एक प्रोफेशनल आपके घर आ सकता है, मगर वो हर चीज़ को वहाँ पे अरेंज नहीं करवा सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं मल्टीडिसिप्लिनरी करिकुलम मॉडल के बारे में पढ़ते हैं। तो ये मेनली होता है जब हम किसी भी कॉन्सेप्ट को या फिर किसी भी प्रॉब्लम को मोर देन वन डिसिप्लिन के परस्पेक्टिव से देखते हैं। यानी कि हम किसी भी कॉन्सेप्ट के लिए अपना एक परस्पेक्टिव लेके नहीं चल रहे हैं, 3-4 परस्पेक्टिव से हम उसको देख रहे हैं, देन उसको कंक्लूजन निकाल के उस चीज को समझ रहे हैं। अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो स्टडिंग अ टॉपिक फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ मोर देन वन डिसिप्लिन, जैसे मैंने अभी आपको बताया किसी भी टॉपिक को स्टडी करना व्यू पॉइंट ऑफ मोर देन वन डिसिप्लिन एंड सॉल्विंग अ प्रॉब्लम यूजिंग अ डिफरेंट डिसिप्लिनरी अप्रोच, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना अलग अलग डिसिप्लिनरी अप्रोच के तहत। अब हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हमें CO2 का एमिशन कम करना है कार से, तो उसके लिए हमें क्या देखना होगा कि हमें स्टडी करनी होगी कि हम किस तरह से फ्यूल केमिस्ट्री को डेवलप कर सकते हैं, और स्टडी करनी होगी कि हम कैसे कार के इंजन की परफॉर्मेंसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव मल्टीप्लिनरी इंटीग्रेटेड करिकुलम, कि इसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स रह सकती हैं। पहला, अकेडमिक एंड टेक्निकल रेगर। करिकुलम यूनिट्स आर डिजाइन टू एड्रेस की लर्निंग स्टैंडर्ड्स आइडेंटिफाइड बाय द डिस्ट्रिक्ट्स। ऑफकोर्स हमारे जो करिकुलम यूनिट्स होते हैं वो हम किस लिए एड्रेस करते हैं, ताकि हम अलग अलग की स्टैंडर्ड्स के बारे में जान सके। नेक्स्ट, ऑथेंटिसिटी, कि हम हमेशा रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट को लेके चलते हैं, कुछ ज़्यादा कुछ इमेजिनरी हम लेके नहीं चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है अप्लाइड लर्निंग, जिसमें हमें ये देखना होता है कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी में एंगेज रहे, खुद को उसमें, मतलब बच्चे का उसमें परफॉर्मेंस रहे, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर टीम वर्क या फिर कम्युनिकेशन, जिसमें बच्चा इंटरेक्ट कर पाए। नेक्स्ट आते हैं हम एक्टिव एक्सप्लोरेशन पे। इसमें हमें ध्यान देना होता है कि बच्चे की जो सोच है या फिर बच्चे की जो पहुंच है वो क्लासरूम तक सीमित ना रह जाए, हम उसे क्लासरूम के बाहर भी कनेक्ट करवाते हैं। नेक्स्ट, एडल्ट कनेक्शन। ऑफकोर्स बच्चे को एक एडल्ट मेंटोर की जरूरत होती है जो उसे कनेक्ट करता है, उसको सही चीजें बताता है, गाइड करता है। एंड लास्ट, असेसमेंट प्रैक्टिसेस। हमें ऑफकोर्स बच्चे का असेसमेंट कंडक्ट करते रहना चाहिए, उसकी प्रोग्रेस देखती रहनी चाहिए, जब वो आया था तब उसका लेवल क्या था, अब कुछ टाइम बाद उसका लेवल क्या है, कुछ टाइम बाद हम उसको किस लेवल पे देखना चाहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांसडिसिप्लिनरी करिकुलम मॉडल। ये हमारे मेनली बाउंड्रीज को रिमूव कर देता है एक कोर डिसिप्लिन से, जैसे कि जरूरी नहीं है कि, अगर मैं एक एग्जांपल से बात करूँ, जरूरी नहीं है कि आप एक फॉर्मूला को लेके ही चलो, नहीं, आप किसी भी परस्पेक्टिव की बाउंड्रीज को हटा के फिर उस चीज को समझ सकते हो, जैसे कि इंटीग्रेटिंग देम टू कंस्ट्रक्ट न्यू कॉन्टेक्स्ट ऑफ रियल वर्ल्ड थीम बाय इंट्रोड्यूसिंग सम मेजर स्ट्रीम कोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल की बात करें तो लास्ट सेंचुरी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग करिकुलम हैज बीन इंटीग्रेटेड। जो हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग करिकुलम था वो किस तरह से इंटीग्रेट किया गया इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर इंजीनियरिंग करिकुलम को इंट्रोड्यूस करके। अब हम मैकेनिकल में ही घुस जाते सिर्फ,
तो क्या पता हम अलग अलग पर्सपेक्टिव से ना देख पाते, मगर हमने बाउंड्रीज को हटा के ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच का यूज करके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग करिकुलम के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग करिकुलम को समझा। नेक्स्ट अब हम आते हैं रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन करिकुलम डेवलपमेंट। ऑफकोर्स ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एक टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहता है किसी भी करिकुलम को डेवलप करने के लिए, ये तो आप खुद भी बना के लिख सकते हो। आपको पता है कि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा जरूरी है, आप ये वीडियो देख रहे हो, मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्या किस किसके थ्रू हो रहा है ये सब? टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है। फॉर मैनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस द करिकुलम इज अ रोड मैप फॉर बोथ टीचर्स एंड लर्नर्स। बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए जो करिकुलम है वो एक रोड मैप होता है टीचर्स के लिए भी एंड एज वेल एज स्टूडेंट्स के लिए भी। उन्हें पता होता है कि हमारी मंजिल क्या है, हमें किस किस रास्ते से उसे जाना है और हमारे बीच में क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। करिकुलम डेवलपमेंट इज अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ मेकिंग अ कोर्स वैल्यूएबल टू लर्नर्स। जो करिकुलम डेवलपमेंट होता है ये एक क्रूशियल एस्पेक्ट होता है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक वैल्यूएबल कोर्स बनाना लर्नर्स के लिए। इट इज द फ्रेमवर्क दैट प्रोवाइड्स अ फाउंडेशन टू अचीव लार्जर लर्निंग गोल्स थ्रू सुटेबल टीचिंग मेथड्स। ये एक फ्रेमवर्क होता है जिससे हम ज्यादा से ज्यादा गोल अचीव कर सकते हैं अलग अलग टीचिंग मेथड्स को ध्यान में रखते हुए, लर्निंग स्ट्रेटेजीज एंड इंस्ट्रक्शनल मटीरियल्स का यूज करते हुए भी। नेक्स्ट अब हम आगे देखें तो हमारे पास आता है करिकुलम डेवलपमेंट इज वाइटल फॉर द सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एप्रोप्रिएट लर्निंग मटीरियल एंड अदर एक्टिविटीज। जो करिकुलम डेवलपमेंट होता है इससे हम एक परफेक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं किसका, कि हमें क्या क्या एप्रोप्रिएट एक्टिविटीज चाहिए, क्या क्या बच्चों को हमें सिखाना है, किस लेवल पे सिखाना है, ये सारी चीजें हम सिलेक्ट कर सकते हैं करिकुलम डेवलपमेंट के टाइम पे। सो दैट लर्नर्स कैन एक्वायर द कोर कॉम्पिटेंस ऑफ द कोर्स। जिससे लर्नर को पता हो कि हमें किस लेवल तक सीखनी है चीजें, उसे आइडिया मिल जाए कि हाँ भाई हम ये चीज सीख रहे हैं किस लिए सीख रहे हैं। इट हेल्प्स टीचर टू चूज देयर टीचिंग अप्रोच एंड हेल्प लर्नर्स टू अचीव देयर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये हेल्प करता है टीचर्स को उनके टीचिंग गोल्स को सेलेक्ट करने में कि हमें क्या क्या टीचिंग मेथड्स को अपनाना है, और लर्नर को हेल्प करता है अब उसके गोल्स को अचीव करने के लिए। While creating the perfect curriculum for students, instructional designers and educators also need to factor the benefits of the technology in the field of the education. एक बच्चे के लिए perfect curriculum बनाते टाइम एक टीचर को ध्यान रखना होता है कि उसके लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी beneficial रह सकती है। Digital learning is the preferred mode of learning for today's tech-savvy generation. Of course, जो digital learning है ये आज की जनरेशन के लिए बहुत ज्यादा कह लो गोल्डन पॉइंट है। क्यों? अब हम आगे देखें तो देयरफॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर कंसीडरिंग द इनकॉर्पोरेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी टू मेक देयर करिकुलम मोर रिलेटेबल एंड एंगेजिंग। यहाँ तक कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो भी अपने करिकुलम में एक डिजिटल लर्निंग को काफी अच्छा एस्पेक्ट से देखने लगे हैं फॉर द मोर डेवलपमेंट इन द ग्रोथ ऑफ द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, इन द प्रेजेंट सिनेरियो, आज के टाइम में प्रेजेंट में हम देखा जाए तो जो टेक्स्ट बुक्स है वो रिप्लेस कर दी गई हैं लैपटॉप्स और टैबलेट से, यानी कि जो प्रिंटेड बुक्स आती थी उनका यूसेज कम होता जा रहा है और उनकी जगह हमारे लैपटॉप्स या फिर कंप्यूटर्स उनका प्लेस ले रही हैं। अब आप भी, आपको भी पता है कि आप जैसे कि हमारा सिलेबस है आप यूट्यूब वीडियो से पढ़ रहे हो, क्यों? क्योंकि ये सब टेक्नोलॉजी तो है कि अब बुकिश नॉलेज थोड़ी साइड होके अब हम डिजिटल लर्निंग पे ज्यादा फोकस करने लगे हैं। इसके भी काफी सारे बेनिफिट्स है कि हमारे टाइम सेव करता है, आप जाके बुक की एक लाइन रीड करोगे, देन उसको पढ़ोगे, फिर उसको समझोगे, फिर आपके डाउट क्लियर होंगे, एक लंबा प्रोसीजर रहता है। वहीं अब आजकल टेक्नोलॉजी जब आपके पास ऑप्शन है तो ऑफकोर्स आपको ये ऑप्शन का फुल एक्सटेंड तक यूज करना चाहिए, बेनिफिट लेना चाहिए, जिससे आपका टाइम भी बचता है एंड काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं। नेक्स्ट अब हम देखें तो मैनी इंस्टीट्यूशंस कैन आर कोलैबोरेटिंग विद आईटी एंड सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशंस टू डेवलप स्मार्ट लर्निंग एप्स एंड टूल्स टू इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी इन देयर करिकुलम। काफी सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आईटी और सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेशन करने लगे हैं ताकि एक अच्छी ऐप डेवलप की जा सके टेक्नोलॉजी का यूज करके बच्चों को करिकुलम एक अच्छे लेवल पे प्रोवाइड करने के लिए। द एम इज टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स इंस्टेंट एक्सेस टू अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ नॉलेज। इसका एम मेनली ये है कि हम बच्चे को इंस्टेंट
एक्सेस प्रोवाइड कर सके काफी अच्छे लेवल पे नॉलेज का एंड वेरियस टाइप ऑफ लर्निंग मटेरियल्स, अलग अलग लर्निंग मटेरियल्स भी प्रोवाइड कर सके. सम ऑफ द चेंजेस दैट इंस्टीट्यूशंस कैन इनकॉर्पोरेट, कुछ चेंजेस जो इंस्टीट्यूशंस ने अपनाए हैं व्हेन इट कम्स टू डेवलपिंग अ करिकुलम, करिकुलम डेवलप करते टाइम फॉर टेक सेवी स्टूडेंट्स आर. तो वो चेंजेस क्या क्या हैं? पहला, डेवलपिंग एंड प्रोवाइडिंग ई लर्निंग कॉन्टेंट. हमें बच्चों को, उन इंस्टीट्यूशंस ने बच्चों को ई लर्निंग कॉन्टेंट प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है, यानी कि वीडियोज, ऑनलाइन वीडियोज, ऑनलाइन लेक्चर्स भी देने शुरू कर दिए हैं. डेवलपिंग लर्निंग वीडियोज एंड ऑडियो बुक्स, लर्निंग वीडियोज और ऑडियो बुक्स भी प्रोवाइड करने लगे हैं. इनकॉर्पोरेशन ऑफ ऑनलाइन लेक्चर्स, वही ऑनलाइन लेक्चर्स भी उन्हें प्रोवाइड करने लगे हैं. तो यही कुछ चेंजेस हैं जो इंस्टीट्यूशंस करने लगे हैं. ये सारे पॉइंट्स आप खुद से भी बना के लिख सकते हो, क्योंकि आपने ये सब एक्सपीरियंस किया है. आप खुद देखो, जब आप फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स क्लास में थे और आज के टाइम में कितना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आ गया है. इनफैक्ट आप ये देखो कि जब आप एट्थ क्लास में थे आप कैसे पढ़ते थे, और जो आज की जनरेशन है वो एट्थ क्लास में कैसे पढ़ती है. तो ये सारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पॉइंट्स आप खुद भी लिख सकते हो, क्योंकि आपने सब देखा है, एक्सपीरियंस किया है. नेक्स्ट, अब हम चलते हैं 2.2 पे, जिसमें हमें देखना है रोल ऑफ टीचर इन करिकुलम डेवलपमेंट. एक टीचर का क्या रोल रहता है करिकुलम डेवलप करते टाइम. विदाउट डाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस इज अ टीचर. ऑफकोर्स इस चीज में कोई भी डाउट नहीं है कि करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन होता है वो एक टीचर होता है. विद देयर नॉलेज, एक्सपीरियंसेस एंड कॉम्पिटेंसेज, टीचर्स आर सेंट्रल वे टू एनी करिकुलम डेवलपमेंट एफर्ट. ऑफकोर्स टीचर अपने नॉलेज से, एक्सपीरियंसेस को एक करिकुलम को अपने बेस्ट एक्सटेंट तक इम्प्लीमेंट कर सकता है अपने फुल एफर्ट्स लगा के. बेटर टीचर्स सपोर्ट बेटर लर्निंग बिकॉज दे आर मोस्ट नॉलेजेबल अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग द करिकुलम इन द क्लासरूम. ऑफकोर्स जो बेटर टीचर होता है वो अपना 100% देता है एक बेटर लर्निंग के लिए स्टूडेंट्स की, क्योंकि उसके पास वो नॉलेज है, वो एक्सपीरियंस है, उसने करिकुलम डेवलप किया है, इंट्रोड्यूस किया है एंड इम्प्लीमेंटेशन करना है. नेक्स्ट, अब हम आगे देखें तो द टीचर इन्वॉल्व इन करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन हैज मैनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. एक टीचर के काफ़ी सारे रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं. टीचर वॉन्ट टू इंजॉय टीचिंग एंड वॉचिंग द स्टूडेंट्स डेवलप इंटरेस्ट. टीचर इंजॉय करता है अपनी टीचिंग को, यानी कि अगर कोई टीचर है तो ऑफकोर्स वो अपनी जॉब को इंजॉय करता है, उसको अच्छा लगता है बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना, उन्हें पढ़ाना और उनके बच्चों को देखना कि हाँ, मैं जिस तरह से पढ़ा रही हूँ मेरा सामने वाला स्टूडेंट उसमें इंटरेस्ट गेन कर रहा है एंड स्किल इन देयर इंटरेस्ट एरिया, और साथ में उसकी स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं. द टीचर में नीड टू क्रिएट लेसन प्लान्स. टीचर्स को लेसन प्लान्स क्रिएट करने होते हैं. ये ऑफकोर्स आपने भी आईपी लेसन प्लान सब क्रिएट किए होंगे. क्यों? क्योंकि ये होता है करिकुलम, हम बच्चे के लिए प्लान बनाते हैं. एंड सिलेबस विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द गिवन करिकुलम सिंस द टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आर टू इम्प्लीमेंट द करिकुलम टू मीट द स्टूडेंट नीड्स. ऑफकोर्स जो करिकुलम होता है वो टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसे इम्प्लीमेंट करना, बट इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि एक स्टूडेंट की नीड्स को फुलफिल किया जा रहा हो. वहीं आगे, मैनी स्टडीज सपोर्ट इम्पावरमेंट ऑफ द टीचर थ्रू पार्टिसिपेशन ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट. काफ़ी सारी स्टडीज इम्पावर करती है टीचर्स को करिकुलम डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करके. नेक्स्ट, अब हम आगे देखें तो द टीचर एसोसिएटेड विद द करिकुलम एसोसिएशन. जो टीचर्स करिकुलम एसोसिएशन से एसोसिएट करती है उनकी काफ़ी सारी न्यूमरस जॉब्स होती हैं और ऑब्लिगेशंस होते हैं. एजुकेटर नीड टू अप्रिशिएट एजुकेटिंग एंड व्यूइंग देयर अंडर स्टडीज क्रिएट्स इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड टू देयर ग्रेटेस्ट एडवांटेज टेरिटरी. ऑफकोर्स ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है कि जो वो पढ़ा रहे हैं, जिस भी तरह से पढ़ा रहे हैं, उसमें एक बच्चा इंटरेस्ट दिखा रहा हो. द इंस्ट्रक्टर में नीड टू मेक एक्सरसाइज प्लान्स एंड प्रोस्पेक्टिव इनसाइड द स्ट्रक्चर टू द गिवन करिकुलम सिंस द इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रक्टर्स ऑब्लिगेशंस आर टू एग्जीक्यूट द एजुकेशनल प्लान टू एड्रेस अंडर स्टडीज इशूज. ऑफकोर्स टीचर्स को सारे ऑब्लिगेशंस लेने होते हैं एंड एक ऐसा एजुकेशनल प्लान बनाना होता है जो उसने पहले उसकी अंडर स्टडी के टाइम पे सारे इशूज को सॉल्व करता हुआ चले, समझ गए. यानी कि एक ऐसा प्लान जो बच्चे की कह लो कि जो भी इश्यूज हैं या फिर जितने भी बच्चा लैग बिहाइंड कर रहा है उन सारे प्रॉब्लम्स को कवर करता हुआ चले. नेक्स्ट, जो टीचर्स का इंक्लूजन होता है उसे फोकल पॉइंट माना जाता है एजुकेशनल प्लान इम्प्रूवमेंट के टाइम पे, जिससे पावरफुल अकम्प्लिशमेंट ऑफ इंस्ट्रक्टिव चेंज को हम प्रॉम्प्ट कर सकें.
इन दिस वे इंस्ट्रक्टर इज द सिग्निफिकेंट फैक्टर, इन्हीं सब की वजह से जो टीचर है वो एक सिग्निफिकेंट फैक्टर होता है एक एजुकेशनल प्लान एडवांसमेंट को अकम्प्लिश करते हुए, इंक्लूडिंग उसके सजेशंस एंड असेसमेंट, यानी कि टीचर के सजेशंस और असेसमेंट को भी बहुत प्रायोरिटी दी जाती है। नेक्स्ट, टीचर कैन कॉन्ट्रीब्यूट बाय कोऑपरेटिवली एंड एडिक्वेटली वर्किंग विद करिकुलम डेवलपमेंटल ग्रुप्स। टीचर कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं करिकुलम डेवलपमेंट ग्रुप्स के साथ वर्क करके, उनके साथ कोलैबोरेट करके, एंड अथॉरिटीज टू अरेंज एंड डिजाइन मटेरियल्स, एंड अथॉरिटीज को बता के कि हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत होती है, क्या क्या चीज़ें एडेप्ट करनी चाहिए हमें अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द चाइल्ड, क्या क्या कोर्स बुक्स एंड कंटेंट रखना चाहिए। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, और ये सब रहता है करिकुलम बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स नीड्स इन द क्लासरूम। टीचर जानता है, टीचर बच्चे के साथ क्लास में रहता है, बच्चे के साथ डील करता है, बच्चे को ग्रो करते हुए देखता है, तो ऑफ कोर्स उससे ज्यादा अच्छे से स्टूडेंट्स की नीड को, एक चाइल्ड की नीड को कोई नहीं समझ सकता, तो वो चाइल्ड की नीड्स को कंसीडर करते हुए सारे सजेशंस देते हैं। लास्टली, नो करिकुलम इज परफेक्ट और मोस्ट सुटेबल फॉर द स्टूडेंट्स। कोई भी करिकुलम 100% परफेक्ट या फिर मोस्ट सुटेबल नहीं होता है स्टूडेंट्स के लिए और फ्री फ्रॉम क्रिटिज्म, बट टू बी अफेक्टिव, मगर पूरा अफेक्टिव रहता है। इट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द टीचर्स एंड मस्ट बी डीम्ड एजुकेशनली वैलिड बाय द पेरेंट्स एंड द कम्युनिटी एट लार्ज। ऑफकोर्स जो करिकुलम है वो टीचर द्वारा एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि उसी को वो करिकुलम इम्प्लीमेंट कराना है, और पेरेंट्स को भी अलग अलग पॉइंट्स पे चीज़ें समझनी चाहिए कि उनके बच्चे की क्या नीड्स है एंड हमें उन्हें किस तरह से कोप अप करना है। नेक्स्ट अब हम आते हैं 2.3 पे, जिसका नाम है करिकुलम एडेप्टेशंस टू मीट द एजुकेशनल नीड्स इन डिफरेंट सेटिंग्स। क्या क्या करिकुलम हमें करिकुलम एडेप्टेशंस करने चाहिए एजुकेशनल नीड्स को पूरा करने के लिए, स्पेशल स्कूल्स में, होम बेस्ड सेटिंग्स में, इंक्लूसिव स्कूल्स में, होम लर्निंग कॉन्टेक्स्ट सच एज ड्यूरिंग पैंडेमिक्स एंड अदर डिजास्टर्स। ऑल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इज फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो कॉन्सेप्ट होता है करिकुलम डेवलपमेंट का, ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। टीचर्स एंड करिकुलम स्पेशलिस्ट एडजस्ट एंड मॉडिफाई करिकुला अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट नीड्स एंड गोल्स सेट फॉर द स्टूडेंट्स इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम। जो टीचर्स होते हैं या फिर करिकुलम स्पेशलिस्ट होते हैं, जो भी करिकुलम को डेवलप कर रहे हैं, वो ध्यान रखते हैं बच्चे की नीड्स को, उसके गोल्स को, एंड उसके अकॉर्डिंग ही करिकुलम को एडेप्ट किया जाता है। एजुकेटर्स एंड थ्योरिस्ट में यूज डिफरेंट टर्म्स ऑफ वेरिंग टाइप्स एंड डिग्रीज ऑफ करिकुलम एडेप्टेशंस। जो एजुकेटर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ डिग्रीज, अलग अलग तरह की डिग्रीज को यूज करते हैं करिकुलम को एडेप्ट करने के लिए। नेक्स्ट हम आते हैं सीधे स्पेशल स्कूल्स की तरफ। प्लानिंग डजंट एग्जिस्ट इन अ वैक्यूम। जो प्लानिंग होती है वो एकदम स्ट्रिक्ट नहीं होती है, बनी बनाई नहीं मिलती है किसी को भी। टीचर नीड टू सेट अ लेसन प्लान। एक टीचर को लेसन प्लान सेट करना होता है विद इन अ सीरीज ऑफ लेसन इन अ स्कीम ऑफ वर्क, एक प्रॉपर सीरीज के साथ। द नेशनल करिकुलम प्रोवाइड्स प्रोग्राम फॉर स्टडी ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। हाउएवर इन स्पेशल स्कूल इट इज ऑफ्टन द केस दैट नाइदर द प्रोग्राम ऑफ स्टडी नॉट द आइडेंटिफाइड एज ग्रुप इज एप्लीकेबल टू मीट द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। जो स्पेशल स्कूल होता है वहाँ पे प्रोग्राम ऑफ स्टडीज या फिर पर्टिकुलर एज के अकॉर्डिंग बच्चे को काम नहीं कराया जाता है, वहाँ पे बच्चे की नीड्स को प्रायोरिटी दी जाती है। नेक्स्ट, द करिकुलम ऑफ स्पेशल एजुकेशन स्कूल इज टेलर टू सपोर्ट चिल्ड्रन विद मॉडरेट टू सीवियर स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। जो स्पेशल स्कूल्स होते हैं वहाँ के करिकुलम इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि बच्चे की नीड्स को सपोर्ट करे फ्रॉम मॉडरेट टू सीवियर स्पेशल एजुकेशनल नीड्स तक। विद इन दिस करिकुलम वी फोकस ऑन, इन करिकुलम के तहत हम फोकस करते हैं चिल्ड्रन हु आर स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेटर्स। चिल्ड्रन जो स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेटर्स हैं एंड एबल हैं अपनी चॉइस को सेलेक्ट करने में और दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। दूसरा, जो चिल्ड्रन अपनी लर्निंग स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं दैट आर कॉन्क्रीट एंड रिलीवेंट टू देयर लेवल ऑफ लर्निंग। थर्ड वन, चाइल्ड हु आर एबल टू एक्सेस एंड एंगेज विद पर्सनलाइजिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। चिल्ड्रन जो एक्सेस कर सकता है, एंगेज हो सकता है अपनी पर्सनलाइज लर्निंग अपॉर्चुनिटी के अंडर। फोर्थ, चिल्ड्रन विल एक्सेस अ करिकुलम दैट प्रमोट्स अ पॉजिटिव वेल बीइंग। एक ऐसा करिकुलम जो प्रमोट करता है पॉजिटिव वेल बीइंग को एंड रिलियंस ऑफ ऑल पीपल्स। चिल्ड्रन हु आर रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ देयर एजुकेशन एंड लर्निंग। वो चिल्ड्रन जो अपने नेक्स्ट स्टेज के एजुकेशन या फिर अकेडमिक्स या फिर लर्निंग के लिए रेडी हैं।
उसके बाद हम आता है चिल्ड्रन वर एबल टू सेल्फ रेगुलेट देयर बिहेवियर. चिल्ड्रन जो एबल है अपने बिहेवियर को सेल्फ रेगुलेट करने के लिए एंड सेंसरी नीड सच एज कीप देमसेल्फ सेफ. उन्हें मालूम है कि हम खुद को सेफ कैसे रख सकते हैं, हमें पब्लिक में कैसे बिहेव करना है, रेड लाइट कैसे क्रॉस करने एंड मैनी मोर थिंग्स. चिल्ड्रन हु आर इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट, वो चिल्ड्रन आते हैं जो इंडिपेंडेंट है, अपने एडल खुद परफॉर्म कर सकते हैं एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग एंड कॉन्फिडेंट है. इसके बाद हम आते हैं 6 कोर डोमेन्स की तरफ जो है. पहला अकेडमिक्स, बच्चे के अकेडमिक्स पे वर्क करना चाहिए, डेली लिविंग पे, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, सोशल इमोशनल एस्पेक्ट्स की तरफ, द आर्ट्स एंड वोकेशनल्स. तो ये 6 कोर लर्निंग डोमेन्स होते हैं एक बच्चे पे वर्क करने के लिए. नेक्स्ट अब हम आते हैं स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स जनरली ऑफ्टन कस्टमाइज करिकुलम एम्ड एट प्रोवाइडिंग अ चाइल्ड सेंटर्ड होलिस्टिक लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. जो स्पेशल स्कूल्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम करिकुलम को इस तरह से कस्टमाइज करते हैं कि वो एक चिल्ड्रन को चाइल्ड सेंटर्ड होलिस्टिक लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड कर सके उनकी स्पेशल नीड्स को ध्यान में रखते हुए. नेक्स्ट हम आते हैं होम बेस्ड सेटिंग पे. द प्रैक्टिस ऑफ होम बेस्ड एजुकेशन वॉज इनिशिएटेड बाय द SSA. जो होम बेस्ड सेटिंग है ये इनिशिएट किया गया है SSA के थ्रू, एंड SSA की फुल फॉर्म है हमारी सर्व शिक्षा अभियान. सर्व शिक्षा अभियान विच इज द फुल फॉर्म ऑफ SSA, ये सब आप लिख लो, याद कर लो. SSA ने हमारा होम बेस्ड एजुकेशन को इम्प्लीमेंट किया था, इनिशिएट किया था. एज अ पाथवे ऑफ इंक्लूजन SSA अडॉप्ट जीरो रिजेक्शन पॉलिसी फॉर ऑल चिल्ड्रन. इन ऑर्डर टू फुलफिल द जीरो रिजेक्शन पॉलिसी इट फॉलोज अ मल्टी ऑप्शन मॉडल फॉर चिल्ड्रन विद डिसएबिलिटीज. जो SSA है उन्होंने जीरो रिजेक्शन पॉलिसी को अडॉप्ट किया था सारे स्टूडेंट्स के लिए. इन ऑर्डर टू फुलफिल, जो जीरो रिजेक्शन पॉलिसीज को फॉलो करते हैं उन्हें मल्टी ऑप्शन मॉडल प्रोवाइड किया जाता है उन चिल्ड्रंस के लिए जिन्हें डिसेबिलिटीज है. होम बेस्ड करिकुलम प्रोग्राम दैट ऑपरेट्स होम बेस्ड ऑप्शन मस्ट, जो प्रोग्राम्स होम बेस्ड ऑप्शन को चूज करते हैं उसमें ध्यान देना होता है कि होम विजिटिंग हो, एक प्रोफेशनल बच्चे को होम विजिट दे जाकर, ग्रुप सोशलाइजेशन हो जो इम्प्लीमेंट करता है डेवलपमेंट को, अप्रोप्रिएट रिसर्च बेस्ड अर्ली चाइल्डहुड होम बेस्ड करिकुलम दैट. अब इसमें पहला पॉइंट क्या आता है कि प्रमोट्स पेरेंट्स रोल एज चाइल्ड टीचर थ्रू एक्सपीरियंसेस. इसमें पेरेंट्स का रोल सबसे ज़्यादा होता है. क्यों? क्योंकि एक स्पेशलिस्ट आएगा आपके घर पे, आपको बता के, एसेस करके, चीज़ें समझा के, परफॉर्म करवा के चला जाएगा. बट उसके बाद बच्चे के साथ डील किसे करना है, उसे लॉन्ग टर्म तक सेम चीज़ें किसे करवानी है, पेरेंट्स को. तो इसमें पेरेंट्स का रोल को प्रमोट किया जाता है एज अ चाइल्ड टीचर थ्रू एक्सपीरियंसेस फोकस ऑन द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप. इसमें पेरेंट्स चाइल्ड के रिलेशनशिप पे फोकस किया जाता है एज अप्रोप्रिएट द फैमिली ट्रेडिशन कल्चर वैल्यूज एंड ब्रीड्स. इन सारी चीज़ों को भी काफ़ी प्रायोरिटी दी जाती है क्योंकि जब बच्चे को सिखाया ही उसके घर में जाएगा तो ऑफकोर्स उसके सारे ट्रेडिशनल कल्चर्स भी फॉलो किए जाएंगे. नेक्स्ट एगेंस विद द हेड स्टार्ट अर्ली लर्निंग आउटकम फ्रेमवर्क, यानी कि जब बच्चे का बर्थ होता है तब से लेकर 5 साल की उम्र तक एक अप्रोप्रिएट टाइम पीरियड रहता है बच्चे को एसेस करने का, उसके लर्निंग स्टैंडर्ड्स को जानने का, उसको इम्प्रूव करने का. हैज एन ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंटल स्कोप एंड सीक्वेंस दैट इंक्लूड्स प्लान्स एंड मटीरियल्स फॉर लर्निंग एक्सपीरियंसेस. हमारे पास प्रॉपर सीक्वेंस होता है, स्कोप होता है, जो जिसमें प्लान्स भी इंक्लूड होते हैं बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए, एंड हाउ चाइल्ड लर्न, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है. नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉइंट सपोर्ट स्टाफ इन द अफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द करिकुलम एट अ मिनिमम माइनर मॉनिटर करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन एंड फिडेलिटी प्रोवाइड सपोर्ट फीडबैक एंड सुपरविजन फॉर कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट इम्प्लीमेंटेशन थ्रू द सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट. यानी कि जो स्टाफ है वो सपोर्टिव होना चाहिए, वो आके बच्चों को एसेस करके समझा के चला गया, बट टाइम टू टाइम विजिट करवाते रहना चाहिए, पेरेंट्स को समझाते रहना चाहिए, बच्चे की प्रोग्रेस को मॉनिटर करना चाहिए, फीडबैक देना चाहिए. नेक्स्ट इफ अ प्रोग्राम चूजेस टू मेक सिग्निफिकेंट अडेप्टेशन टू अ करिकुलम, अगर प्रोग्राम ने चूज किया है कुछ अडेप्टेशन करने के लिए उस बच्चे के करिकुलम में और करिकुलम इन्हेंसमेंट में, या फिर करिकुलम को इन्हेंस करने के लिए बच्चे की नीड्स को एक अच्छे तरीके से कोप अप करने के लिए वन और मोर स्पेसिफिक पॉपुलेशन ऑफ प्रोग्राम मस्ट, तो क्या है
पहला पार्टनर विद अर्ली चिल्ड्रन एजुकेशन करिकुलम और कॉन्टेक्स्ट एक्सपर्टीज होनी चाहिए. नेक्स्ट एक्सेस वेदर द एडेप्टेशन ऑफ एडिक्वेटली फैसिलिटीज, सारी फैसिलिटीज का एडेप्टेशन. नेक्स्ट प्रोवाइड पेरेंट्स विद द अपॉर्चुनिटी टू रिव्यू सिलेक्टेड करिकुला एंड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल यूज इन द प्रोग्राम. पेरेंट्स को सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए कि उस प्रोग्राम से रिलेटेड क्या क्या इंस्ट्रक्शन जरूरी है, क्या क्या उन्हें सीखना है अपने बच्चे की पर्टिकुलर परफेक्ट डेवलपमेंट के लिए. नेक्स्ट, अब हम हमारा स्पेशल स्कूल यहाँ पे खत्म होता है. इसी के साथ हम मूव करते हैं हमारे इंक्लूसिव स्कूल की तरफ. इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स एजुकेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, वेदर स्टूडेंट्स आर इक्वली पार्टिसिपेट इन द लर्निंग प्रोग्रेस. इंक्लूसिव एजुकेशन में हम सारे बच्चों को साथ में सिखाते हैं, वेदर इट इज अ नॉर्मल चाइल्ड और अ स्पेशल चाइल्ड. द राइट अपहेल्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऑफ द इंक्लूसिव एजुकेशन बेस्ड ऑन द बिलीफ that those with the disabilities should have to depend on specialized services along to benefit from the educational resources, activities and practices otherwise available to all. यानी कि ये जो right है ये Indian Constitution के द्वारा upheld किया गया है, जिधर inclusive education को support किया जाता है, बच्चे को जो special benefits उसे चाहिए या फिर special support चाहिए वो provide किया जाता है along with the normal curricula जो एक normal बच्चे के लिए normal school में follow किया जाता है. Inclusivity is maintained when all members of a group are able to participate in its activities, which means provision made are considered of all members, not just those who specific groups or special abilities. यानी कि जो भी curriculum होता है या फिर जो भी activity होती है वो design इस तरह से की जाती है कि उसे एक normal बच्चा भी perform करेगा और special बच्चा भी perform करेगा. उधर special बच्चे के लिए हर चीज़ अलग अलग नहीं की जाती, जो बहुत ही अच्छी चीज़ लगती है personally मेरे को, क्योंकि बच्चे को जो special बच्चा है उसे स्टार्टिंग से ही खुद को एज ए नॉर्मल परफॉर्म कैसे करना है, कैसे अपने आप को पीछे नहीं मानना है, इस चीज के लिए इनडायरेक्टली ट्रेन किया जाता है. आगे देखें तो विद अ कॉन्टिन्यूस पुश टूवर्ड्स द इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स. अब आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा पुश किया जा रहा है इंक्लूसिव एजुकेशन को, जहाँ पे स्पेशल बच्चे और नॉर्मल बच्चे साथ में पढ़ेंगे. इस स्पेशल नीड्स इन द जनरल एजुकेशन क्लासरूम, एजुकेटर्स कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर द वेज. जो एजुकेटर्स है वो कॉन्स्टेंटली ऐसी टेक्निक्स, ऐसे मेथड्स की तरफ देख रहे हैं जो बच्चे की लर्निंग एक्सपीरियंसेस को इन्हेंस कर सके. ऑल्सो देयर आर प्रूवन बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूजन, इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स रहते हैं इंक्लूजन एजुकेशन के. ट्रेडिशनल करिकुला एंड इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स आर नॉट ऑलवेज ऑप्टिमल फॉर स्टूडेंट्स विद कॉग्निटिव इमोशनल एंड फिजिकल डिसेबिलिटीज. जो हमारे ट्रेडिशनल करिकुलम चलते आ रहे हैं या फिर इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स चलती आ रही हैं, ज़रूरी नहीं है कि आज के टाइम में भी वो उतनी ही बेनिफिशियल हो कॉग्निटिव इमोशनल और फिजिकल डिसेबल्ड बच्चों के लिए. तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपने टेक्निक्स को, टीचिंग मेथड्स को एडेप्ट करते रहना चाहिए. द पॉजिटिव इफेक्ट इनोवेटिव एजुकेटर्स हैव इम्प्लीमेंटेड एडेप्टिव टेक्नोलॉजीज. जो इनोवेटिव एजुकेटर्स होते हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं एडेप्टिव टेक्नोलॉजीज को. वेरियस डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस मेथड्स एंड थ्योरीज बेस्ड एजुकेशनल मॉडल्स सच एज कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, इन अलग अलग अप्रोचेस को अडेप्ट करते हैं बच्चे की नीड्स को पूरा करने के लिए, लर्निंग नीड्स को पूरा करने के लिए, गोल्स को अचीव करने के लिए एंड एबिलिटी लेवल ऑफ स्पेशल एजुकेशन स्टूडेंट्स को मीट करने के लिए. नेक्स्ट, अब हम चलते हैं, ये कुछ टर्म्स आपको दे रखी है, एकोमोडेशन, एडेप्टेशन, पैरेलल करिकुलम आउटकम्स, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है. एज सच टॉपिक में नहीं है, नहीं पूछा है सर, बट हाँ आपको एडिशनली दी हुए टर्म्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, आप पोज करके पढ़ सकते हो. हम डायरेक्ट मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हमें देखना है होम लर्निंग कॉन्टेक्स्ट सच एज ड्यूरिंग पैंडेमिक एंड अदर डिजास्टर्स. तो इसके लिए आपको ये एक टेबल याद करनी होगी, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ. तो इस टेबल में आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. अगर डिजास्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको ये टेबल बना के आनी है, जिसमें होम लर्निंग मॉडलिटीज के बारे में बताया गया है. पहला सेल्फ लर्निंग एंड इनसाइड टीचर गाइडेड के बारे में है. टीचर गाइडेड किस तरह से होता था, होम विजिट होती थी, ऑफकोर्स जब डिजास्टर था तब बच्चे तो बाहर नहीं जाते थे, कॉल्स के थ्रू होता था, एसएमएसएस के थ्रू होता था, डिजिटल क्लासरूम्स होती थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती थी और सोशल मीडिया के थ्रू बच्चों की पढ़ाई हुआ करती थी. आपको भी पता है लॉकडाउन के टाइम पे हम सब ने ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू ही पढ़ाई की है. सेल्फ लर्निंग कैसे होती थी, प्रिंटेड बुक्स और मटेरियल्स होते थे, रेडियो होता था, टीवी होता था, डिजिटल ऑडियो बुक्स, फीचर्ड फोन ऐप्स और अदर ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स, ये सारी चीज़ों का यूज चाइल्ड सेल्फ स्टडी के लिए करता था ड्यूरिंग एनी पैंडेमिक और द डिजास्टर. अब यहाँ पे कोविड 19 के बारे में बताया गया, जैसे मैंने आपको अभी लॉकडाउन के बताया था,
आप चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं तो ऑफकोर्स ये तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सबने ये एक्सपीरियंस किया है COVID-19 वाला टाइम, तो आप लिख सकते हो कि आपके एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस आया था। पहले स्कूल जाते थे, फिर आपकी ऑनलाइन क्लासेस होने लगी, ऑनलाइन लेक्चर्स होने लगे, ऑनलाइन एग्जाम्स होने लगे, तो ये सारे चेंजेस आप अपने खुद के एक्सपीरियंस से भी लिख सकते हो। नेक्स्ट अब हम आते हैं हमारे 2.4 की तरफ, जिसमें हमें देखना है करिकुलम डेवलपमेंट फॉर द स्टूडेंट्स विद हाई सपोर्ट नीड्स। तो द एक्सटेंड रिसर्च रिलेटेड टू इंस्ट्रक्शन ऑन द जनरल करिकुलम एंड अल्टरनेट करिकुलम फॉर स्टूडेंट्स विद एक्सट्रीम सपोर्ट नीड्स प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग एविडेंस विद दैट स्टूडेंट्स कैन एक्वायर कंटेंट इन बोथ टाइप्स ऑफ करिकुला इन बोथ सेल्फ कंटेंट स्पेशल एजुकेशन एंड जनरल एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट। यानी कि ऐसा कॉन्टेक्स्ट, ऐसे एविडेंस या फिर ऐसे अप्रोचेस प्रोवाइड किए जाते थे जिससे हमारे स्पेशल एजुकेशन और जनरल एजुकेशन दोनों कॉन्टेक्स्ट फुलफिल्ड हो सके। द रिसर्च ऑल्सो प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग एविडेंस, जो रिसर्च थी वो उन्होंने स्ट्रॉन्ग एविडेंस प्रोवाइड की है कि जो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज थी उन्हें पहले डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है कि वो अफेक्टिव है या नहीं है। व्हेन टीचिंग अल्टरनेट करिकुलम कंटेंट इन सेल्फ कंटेंट स्पेशल एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो कैन बी अफेक्टिव, ताकि जो हमारा स्पेशल एजुकेशन का कॉन्टेक्स्ट है वो भी अफेक्टिव रह सके। व्हेन टीचिंग द जनरल करिकुलम इन जनरल एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट, जब हम जनरल करिकुलम को जनरल एजुकेशन के टाइम पे परफॉर्म करते हैं, यानी कि अगर हम एक नॉर्मल स्कूल में नॉर्मल बच्चों को नॉर्मल करिकुलम करवा रहे हैं, कि तो उसके लिए पहले हम स्टडी करते हैं कि क्या वही सेम टेक्निक्स स्पेशल बच्चों के लिए, हाई सपोर्ट नीड स्टूडेंट्स के लिए भी उतनी है अफेक्टिव है या नहीं है। उसके बाद हम आगे देखें तो एट वेरियस पॉइंट इन एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस मैन एनी स्टूडेंट माइट रिक्वायर डिफरेंट टाइप ऑफ सपोर्ट्स एंड सर्विसेज टू बी सक्सेसफुल। एजुकेशन एक्सपीरियंस के टाइम पे किसी भी हाई सपोर्ट नीड को एक्स्ट्रा सपोर्ट या फिर सर्विस की जरूरत है तो उसे सक्सेसफुली वो प्रोवाइड की जाती है। फॉर स्टूडेंट दोज लाइफ एक्सपीरियंसेस आर एक्सट्रीमली चैलेंजेस, वो बच्चे जिनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है, जैसे कि जो बच्चे होमलेस है या फिर पॉवर्टी में रहते हैं, माइग्रेंट है, लिंग्विस्टिकली और रेटली डाइवर्स है और हैव सिग्निफिकेंट कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज, दो सपोर्ट्स एंड सर्विसेज कंसीडर टू बी एक्सटेंसिव, उनके लिए सपोर्ट्स और सर्विसेज काफ़ी अच्छे एक्सटेंड तक प्रोवाइड की जाती है, दैट इज मोर स्पेशलाइज्ड और नीड मोर ब्रॉडली अक्रॉस कॉन्टेक्ट्स एंड एरियाज। अब इसके साथ हम आगे देखें तो द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कूल वाइड मल्टी टैलेंटेड सिस्टम ऑफ सपोर्ट ऑफ्टन रिजल्ट्स इन द कैटेगराइजिंग ऑफ और ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट्स विद द सपोर्ट्स एंड सर्विसेज दे रिक्वायर्ड टू प्रोग्राम इन द जनरल करिकुलम। इस सिस्टम में जो बच्चे हैं उन्हें अलग अलग ग्रुपिंग में डिवाइड कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, कि उनके जनरल करिकुलम को लेके उस करिकुलम को फुलफिल करने के लिए क्या क्या नीड्स हैं। दिस कैन रिजल्ट इन द स्टूडेंट्स बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सपोर्ट्स एंड सर्विसेज दैट आर लेस एक्सटेंसिव और प्रोवाइडेड इन द जनरल एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट। इसके थ्रू बच्चे को एक्सक्लूड कर दिया जाता है उन बेसिक नीड्स से, मतलब जहाँ पे वही सिर्फ बेसिक नीड्स प्रोवाइड की जा रही है, जो बच्चे की नीड्स को पूरा फुलफिल नहीं कर रही हैं उधर से बच्चे को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। फॉर स्कूल्स टू व्यू ऑल स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग दोज सिग्निफिकेंट डिसेबिलिटीज एंड लर्नर्स नीड टू बी इंक्लूड इन द स्कूल वाइड मल्टी टैलेंटेड सिस्टम ऑफ स्पोर्ट नीड्स, स्कूल्स मस्ट रिफ्लेक्ट सर्टेन क्वालिटीज। स्कूल्स को ऑफकोर्स कुछ क्वालिटीज का ध्यान रखना चाहिए। फॉर द स्टूडेंट्स विद हाई सपोर्ट नीड्स जेनी एंड शेल 2004 सजेस्ट दैट, उन्होंने सजेस्ट किया थी कुछ क्वालिटीज इंक्लूड प्रोवाइडिंग एनवायरमेंट दैट वेलकम एंड मेक अकोमोडेशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स, जो अकोमोडेट करते हैं, ऐसे एडेप्टेशन करते हैं सारे बच्चों के लिए, जिसमें डाइवर्सिटी को भी वैल्यू किया जाता है, उनकी कोलेब्रेशन को भी सपोर्ट किया जाता है एंड डेवलपिंग अ सेंस ऑफ कम्युनिटी विद इन द स्कूल। अदर क्वालिटीज दैट माइट कॉन्ट्रीब्यूट, जो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं ट्यूइंग ऑल स्टूडेंट्स एज लर्नर्स, सारे स्टूडेंट्स को एज अ लर्नर्स देखने के लिए इंक्लूड करते हैं। पहला, एजुकेटिंग ऑल स्टूडेंट्स इन द स्कूल दे वुड अटेंड इफ दे नॉट हैव अ डिसेबिलिटी टू फैसिलिटेट और डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल सपोर्ट नेटवर्क्स। हमें बच्चे को एक्स्ट्रा नीड्स प्रोवाइड करनी चाहिए, अटेंशन प्रोवाइड करना चाहिए, उसकी नीड्स को फुलफिल करना चाहिए और फैसिलिटेट करना चाहिए उसकी डेवलपमेंट को नेचुरल सपोर्ट नेटवर्क्स के अंडर में। नेक्स्ट, सपोर्टिंग टीचर्स कंसिडरिंग टू बी हाईली क्वालिफाइड इन अकेडमिक कंटेंट्स, जो भी टीचर्स उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं या फिर जो भी उनका टीचर ट्रेनिंग है वो हाईली क्वालिफाइड होना चाहिए उनके अकेडमिक कंटेंट में, एरियाज में एंड स्पेशलाइज पेडागॉजी में, टू इंश्योर, ताकि वो इंश्योर कर सके जनरल और स्पेशल एजुकेटर्स आर नॉलेजेबल कंटेंट दे आर टीचिंग एंड प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स हाई क्वालिटी इंस्ट्रक्शंस, ताकि वो इंश्योर कर सके कि वो हाईली सपोर्ट स्टूडेंट्स को एक हाई क्वालिटी इंस्ट्रक्शंस अप्रोचेस प्रोवाइड कर सके।
एंड इसके लास्ट भी यही आता है कि हमें बच्चे को पूरी सपोर्ट प्रोवाइड करनी चाहिए, ऑल द स्टूडेंट्स अक्रॉस द स्कूल पर्सनल, ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके बाद लास्ट हमारे पास आता है 2.5, जिसके बाद हमारा यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें 2.5 का नाम है प्लानिंग करिकुलम बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स प्रोफाइल एंड असेसमेंट। तो सबसे पहले हमारे पास आता है स्टूडेंट्स एंड देयर लर्निंग नीड्स आर एट द सेंटर ऑफ द अफेक्टिव करिकुलम। जो स्टूडेंट्स है और उसकी जो लर्निंग नीड्स हैं वो अफेक्टिव करिकुलम प्लानिंग के सेंटर में रखी जाती है, यानी प्रायोरिटी पे रखी जाती है। दिस प्रिंसिपल इनेबल्स टीचर्स टू डाइवर्स एक्सपीरियंसेस टू डेवलप लाइफ लॉन्ग लर्नर्स एंड रिस्पॉन्सिबल टीचर्स। ये प्रिंसिपल्स एक टीचर को इनेबल करते हैं लाइफ लॉन्ग लर्नर्स को डेवलप करने के लिए और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनाने में। This dimension is underpinned by the shared set of values and clear purposes of teaching and learning. ये dimensions एक clearly set होती हैं कि उनको क्या values को लेके चलना है, क्या goal achieve करना है and teaching learning process में क्या क्या involve रहेगा। Next, curriculum planning and assessment recognizing that learning occurs along the continuum. ये curriculum planning and assessment recognize करता है कि जो learning process है ये हमारा continuum के साथ में occur किया जा सकता है। This allow teachers to embed relevant from the formative and summative assessment. ये allow करता है teacher को formative और summative assessment को conduct करने के लिए into classroom practices. Students have opportunities to reflect on and direct their learning. Students के पास opportunities होती हैं अपनी learning को direct करने के लिए, offering insight to the curriculum and teaching and assessment practices. इसके बाद हम आते हैं content, process and product. आर वट टीचर्स एड्रेस ऑल द टाइम ड्यूरिंग द लेसन प्लान एंड इंस्ट्रक्शन। ये चीज़ हमें समझनी होगी कि कंटेंट, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, ये तीन चीज़ें हैं जो टीचर्स हर टाइम एड्रेस करता है कोई भी लेसन प्लान या फिर इंस्ट्रक्शन को कंडक्ट करने के लिए। अब हमें इन तीनों टर्म्स को समझना होगा अच्छे से। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं डिफ्रेंशिएटिंग कंटेंट। इसमें हमें क्या देखना है कि कंटेंट कंप्राइजेज द नॉलेज, कॉन्सेप्ट एंड स्किल्स। ये कंप्राइज करता है कि नॉलेज को, कॉन्सेप्ट को एंड स्किल्स को जो स्टूडेंट्स को नीड है लर्न करने की बेस्ड ऑन द करिकुलम। डिफरेंशिएटिंग कंटेंट इंक्लूड्स यूजिंग वेरियस डिलीवरी फॉर्मेट्स सच एज वीडियोस, रीडिंग्स, लेक्चर्स और ऑडियोज। इन सारे कंटेंट में हम अलग अलग चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि वीडियो, रीडिंग्स, लेक्चर्स और ऑडियोज को। कंटेंट में भी चंक शेयर थ्रू ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स, एड्रेस थ्रू जिग्सॉ ग्रुप्स और यूज टू प्रोवाइड डिफरेंट टेक्निक्स। मतलब कि आपको अलग अलग कंटेंट किस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये चीज बताई गई है यहाँ पे कि आप ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स का यूज कर सकते हो, जिग्सॉ पजल्स का यूज कर सकते हो, डिफरेंट टेक्निक्स का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफरेंशिएटिंग प्रोसेस। अब हमने कंटेंट को डिफरेंशिएट कर लिया है, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास कि हमें प्रोसेस को डिफरेंशिएट करना है। प्रोसेस इज हाउ स्टूडेंट्स मेक सेंस इन द कंटेंट। प्रोसेस होता है कि कोई भी स्टूडेंट कंटेंट में किस तरह से सेंस बना रहा है। दे नीड टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन एंड डाइजेस्ट द लर्निंग एक्टिविटीज। ऑफकोर्स किसी भी स्टूडेंट को टाइम लगता है किसी भी एक्टिविटी को रिफ्लेक्ट करने के लिए, समझने के लिए और उसको डाइजेस्ट करने के लिए बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द लेसन। एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट पे जाने से पहले, यानी कि अगर मैं आपको एक बेसिक से एग्जांपल दूं तो हम पहले बच्चे को काउंटिंग सिखाते हैं 1, 2, 3, 9 तक। उसके बाद बच्चे को टाइम लगता है वहां तक की काउंटिंग सीखने के बाद आगे मूव ऑन करने के लिए। 1 डिजिट हमने सिखा दिया, देन 10, 11, 12, 13 सिखाने से पहले बच्चे को जो हमने पहले सिखाया है उसे डाइजेस्ट करना होगा। थिंक ऑफ अ वर्कशॉप ऑफकोर्स वेयर बाय द एंड ऑफ द सेशन यू फील टू ब्रस्टिंग विद इन्फॉर्मेशन परहैप्स इवन ओवरवेल्ड। यानी कि जो सेशन के लास्ट में ऑफकोर्स आपको ये चीज़ फील होगी, आपको ये चीज़ दिखेगी कि बच्चे ने कितनी इम्प्रूवमेंट की है, कितनी डेवलपमेंट की है। प्रोसेसिंग हेल्प स्टूडेंट्स एक्सेस व्हाट दे डू एंड डोंट अंडरस्टैंड। हमें उन चीज़ों को प्रोसेस करना चाहिए कि बच्चे को क्या समझ में आया है, क्या समझ में नहीं आया है, अकॉर्डिंगली काम करना चाहिए। इट ऑल्सो अ फॉर्मेटिव असेसमेंट। साथ में फॉर्मेटिव असेसमेंट भी होता है जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है टीचर्स को बच्चों की प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए। नेक्स्ट डिफरेंशिएटिंग प्रोसेस के हमारे पास लास्ट टर्म आती है डिफरेंशिएटिंग प्रोडक्ट। इसमें हमें क्या देखना है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड इज प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है ये मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है डिफरेंशिएशन का। पहला, टीचर्स गिव चॉइसेस वेयर स्टूडेंट्स पिक फ्रॉम फॉर्मेट्स। इसमें टीचर चॉइस देता है बच्चों को, जिधर बच्चे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चीजों को पिक करते हैं। सेकेंड, स्टूडेंट्स प्रपोज देयर ओन डिजाइन, जिधर बच्चे अपना खुद का डिजाइन अपने खुद के चॉइसेस को ही
डेवलप करते हैं। प्रोडक्ट्स में रेंज इन कॉम्प्लेक्सिटी टू एलियन टू बी रिस्पेक्टफुल लेवल ऑफ ई स्टूडेंट्स। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी हो सकता है, बट हाँ हमें बच्चे की चॉइसेस को भी कंसीडर करना चाहिए, उसको भी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। द की टू प्रोडक्ट ऑप्शंस, प्रोडक्ट ऑप्शंस की की क्या है कि हम बच्चे को उसकी क्लियर एकेडमिक्स के बारे में बताएं, जिस तरह से बच्चा उस चीज को आराम से समझ सके, दैट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड। व्हेन प्रोडक्ट्स आर क्लियरली अलाइंड टू लर्निंग टारगेट, स्टूडेंट्स वॉइस एंड चॉइस फ्लरिश्ड व्हाइल इंश्योरिंग द सिग्निफिकेंट कंटेंट इज एड्रेस्ड। जब बच्चे को चीज समझ आ जाएगी कि मेरे को ये गोल अचीव करना है, तो ऑफकोर्स उसकी चॉइसिस भी मॉडिफाई होंगी अकॉर्डिंग टू द गोल। तो इसी के साथ हमारे डिफरेंशिएटिंग प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म होता है एंड यहीं पे हमारा यूनिट नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाते चलूंगी, बट हाँ जितना मैं करवाऊंगी उससे बाहर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत बहुत कम है। मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करूंगी इस वीडियो में यूनिट नंबर 3 की। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले एक्टिविटीज और डेली लिविंग से, कि हमारी एक्टिविटीज और डेली लिविंग क्या होता है और हमें ये सारी चीजें पढ़नी है सेरिब्रल पाल्सी के बच्चे को माइंड में रखते हुए। तो द एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग रेफर्स टू द सीरीज ऑफ बेसिक एंड रूटीन एक्टिविटीज। जो ADL एक्टिविटीज होती हैं वो हमारी बेसिक और रूटीन एक्टिविटीज होती हैं जो हम परफॉर्म करते हैं ऑन अ डेली बेसिस, यानी रोज के हमारे दिनचर्या में, ऐसा क्या हुआ। तो देर आर मेनी वेरिएशन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ ADL, बट मस्ट ऑर्गेनाइजेशन एग्री ऑफ द 5 बेसिक कैटेगरीज। हाँ, ADL की काफी ज्यादा वेरिएशन सब अलग अलग तरीके से मानते हैं, मगर इनकी 5 बेसिक कैटेगरीज हम पढ़ेंगे, जो होती है पहला पर्सनल हाइजीन। हमारे सबसे पहले ADL में आता है पर्सनल हाइजीन, कि बच्चा बाथिंग, ग्रूमिंग, ओरल केयर, टॉयलेटिंग, ये सारी एक्टिविटीज खुद से परफॉर्म कर पा रहा है। नेक्स्ट आता है ड्रेसिंग, खुद से कपड़े पहन पा रहा है, शर्ट के बटन लगा पा रहा है, चैन लगा पा रहा है। इसके बाद आता है ईटिंग, कि खुद से खाना खा पा रहा है। इसके बाद आता है एबिलिटी टू यूज रेस्टरूम, जो मैंने आपको ऊपर बताया पर्सनल हाइजीन में ही, कि वो रेस्टरूम, वॉशरूम अच्छे से यूज कर पा रहा है खुद से विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर पर्सन। ट्रांसफरिंग वन सेल्फ फ्रॉम सीटेड टू स्टैंडिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ द बेड, कि कोई पर्सन बैठ के खड़ा हो पा रहा है, मतलब कह लो कि बेसिक ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी जैसे टास्क। तो ये 5 एक्टिविटीज होती हैं, 5 कैटेगरीज में हमारी बेसिक ADL एक्टिविटीज को कैटेगराइज किया गया है। अब ये 5 चीजें अगर कोई इंडिविजुअल खुद से कर पाता है किसी और की हेल्प के बिना, तो उसको कहा जाता है कि वो अपनी ADL परफॉर्म करने में इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट, मैंने बताया ना कि हम सारी चीजें सेरिब्रल पाल्सी के बच्चे को दिमाग में लेते हुए चलेंगे। तो चिल्ड्रन विद सेरिब्रल पाल्सी हु आर अफेक्टेड इन एनी ऑफ दीज एरियाज, जो सेरिब्रल पाल्सी का बच्चा है, अगर वो ऊपर दिए गए 5 एरियाज में से, ये जो 5 एरियाज आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। तो अगर सेरिब्रल पाल्सी का बच्चा इन 5 में से किसी भी एरिया को करने में नाकामयाब है, खुद से नहीं कर पा रहा है, तो हम कहेंगे कि वो ADL खुद से नहीं परफॉर्म कर सकता है। अफेक्टेड इन एनी ऑफ दीज एरियाज में हैव डिफिकल्टी इन परफॉर्मिंग सम ऑफ द ADL, दैट इज इम्पेयर्ड हैंड फंक्शन, यानी उसके हाथ में कोई दिक्कत है, या फिर विच अफेक्ट्स 50% ऑफ चिल्ड्रन लिविंग विद सेरिब्रल पाल्सी। इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड्स परफॉर्मेंस ऑन द अपर लिम एक्टिविटीज, मोस्टली ये चाइल्ड की परफॉर्मेंस को तब अफेक्ट करते हैं जब बच्चे के अपर लिम में प्रॉब्लम रहती है। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं, हमें कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ना है। अब हमने ADL के बारे में पढ़ लिया कि ADL क्या होता है और इसमें कौन कौन से 5 कैटेगरीज हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ADL से रिलेटेड एक क्वेश्चन बन जाता है हमारे पेपर नंबर 5 की यूनिट नंबर 3 से। नेक्स्ट, जो बाकी के सब यूनिट्स है उसमें आपको कुछ पर्टिकुलर टर्म्स हैं वो समझने की जरूरत है, तो मैंने वही टर्म्स यहाँ पे मेंशन की है। ये सारे नोट्स मैंने अपने हाथों से टाइप किए, तो मैंने वही मेन चीजें इसमें लिखी हैं जो पेपर में आ सकती हैं। इस चीज को दिमाग में इस चीज को ध्यान रख के चलना। तो पहली टर्म जो है हमें देखनी है वो है प्री लिटरेसी स्किल्स। अब प्री लिटरेसी स्किल्स क्या होता है, कि हम बच्चे को किस तरह से कुछ कुछ चीजें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, उसका पर्टिकुलरली लिटरेसी वाला टाइम पीरियड स्टार्ट होने से पहले, जैसे कि प्रोवाइड एक्सपोजर टू बुक पिक्चर्स एंड रीडिंग मटेरियल्स, यानी हम बच्चे को कुछ कुछ बुक पिक्चर्स दिखाते हैं, बताते हैं ना कि ये डॉग है देखो, ये कैट है, ये काइट है, ये बॉल है, ये बैट है, इस तरह से। इनकरेज लिसनिंग टू स्टोरीज, राइम्स एंड सॉन्ग्स, हम बच्चों को इनकरेज करते हैं ताकि उसकी लिसनिंग एबिलिटी बढ़े, अगर वो स्कूल में जाएगा
तो ऑफकोर्स उसको लिसनिंग एबिलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, जिसके लिए हम उसको राइम सॉन्ग्स ये सारी चीजें सुनाते हैं। नेक्स्ट यूज पिक्चर कार्ड्स और फ्लैश कार्ड्स टू डेवलप वोकैबुलरी। हम घर पे ही स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराने से पहले ही घर पे उसको कुछ फ्लैश कार्ड्स और पिक्चर कार्ड्स की मदद से उसकी वोकैबुलरी इम्प्रूव करने की ट्राई करते हैं। प्रैक्टिस लेटर रिकॉग्निशन एंड लेटर साउंड एसोसिएशन। हम बच्चे के एडमिशन कराने से पहले उसे थोड़ा थोड़ा ए बी सी सिखा देते हैं कि उसे पता हो कि इस तरह से लिखा हुआ ए होता है, इस तरह से लिखा हुआ बी होता है और इनकी साउंड ए होती है, सी होती है। ये सारी चीज हम कुछ कुछ बच्चे को सिखाने का ट्राई करते हैं। नेक्स्ट एक्सपोजर टेक्टाइल मटेरियल्स एंड मल्टी सेंसरी अप्रोचेस फॉर लेटर फॉर्मेशन। यानी कि हम बच्चे को टेक्टाइल मटेरियल्स का ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो चीजों को ज्यादा अच्छे से सीख सके अपने मल्टी सेंसरी अप्रोच का यूज करते हुए। ये चीज आपको पता होगी कि बच्चा जब छोटा होता है तब हम उसके हाथ में कॉपी पेन नहीं दे देते, हम उसके लिए टॉयज लाते हैं, अल्फाबेट्स के, नंबर्स के, वो क्यूब से आते हैं, ब्लॉक्स आते हैं, वो सब उसे प्रोवाइड करते हैं, स्टिकर्स देते हैं, स्टिक्स देते हैं, जिससे बच्चा प्ले एंड लर्न वाला मेथड हम यूज करते हैं, ऐसा कह लो। तो प्री लिटरेसी स्किल्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है न्यूमेरिकल स्किल्स, जिसमें पहला आता है इंट्रोड्यूसिंग बेसिक काउंटिंग स्किल्स यूजिंग ऑब्जेक्ट्स। न्यूमेरिकल स्किल्स होता है जहां पे हम बच्चे की मैथमेटिक्स वाले अर्थमेटिक वाले पोर्शन पे वर्क करते हैं। तो पहला हम बच्चे को काउंटिंग स्किल से इंट्रोड्यूस कराते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हुए। यानी कि मैंने आपको बताया ना कि बच्चे को स्टडी में कॉपी पेन नहीं दे देते, उसको अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हुए बताते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। किस तरह से हमने बच्चे का एक टॉय ले लिया या फिर उसके बहुत सारे टॉयज हैं, तो हम क्या कहते हैं कि 1 मम्मा को दे दो, 1 पापा को दे दो, तो आपके पास भी तो 2 रहेंगे। या फिर चॉकलेट है, टॉफी है, तो 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए। इस तरह से हम ऑब्जेक्ट्स का यूज करके बच्चे को बेसिक काउंटिंग कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। नेक्स्ट ईच नंबर रिकॉग्निशन एंड काउंटिंग सीक्वेंस, की एक एक बच्चे को पता हो कि ये 1 होता है, ये 2 होता है, इसकी सीक्वेंस क्या होती है। तो यही सारा, ऐसा जरूरी नहीं कि हम बच्चे को सारी काउंटिंग सिखाते, बट हाँ बच्चे का बेसिक हम घर पे जितना हो सके उतना इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं उसके अर्ली डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट वर्क ऑन वन कॉरेस्पॉन्डेंस मैचिंग ऑब्जेक्ट्स टू नंबर्स। हम बच्चे का 1-on-1 कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट्स पे भी वर्क करते हैं, लाइक मैचिंग, कि हम बच्चे को मैचिंग सिखाते हैं, सेम चीजें मैच कराते हैं। नेक्स्ट यूज हैंड ऑन मटीरियल लाइक ब्लॉक्स एंड नंबर पजल्स। वही कि बच्चे को हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, वो ब्लॉक्स यूज करे, पजल्स यूज करे। पजल काफी ज्यादा अच्छा होता है, क्यों? क्योंकि बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन इन्हेंस करता है, बच्चे का कॉग्निटिव लेवल इन्हेंस करता है, बच्चे की थिंकिंग एबिलिटी इंप्रूव करता है, बच्चे को पता होता है, लाइक डिसीजन मेकिंग क्वालिटी भी आ जाती है इसमें। क्यों? क्योंकि बच्चा डिसीजन लेता है कि मेरे को ये वाला पीस उठाना है पजल का या दूसरा पीस उठाना है। तो कुछ ये टेक्निक्स होती है, या फिर कह लो कि कुछ ये हमारे पास ऑप्शंस होते हैं जो हमें बच्चे के साथ सही टाइम पे प्ले एंड लर्न टेक्निक का यूज करके हम उसकी डेवलपमेंट में काफी अच्छा किक स्टार्ट कर सकते हैं। इनकॉर्पोरेट डेली एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग नंबर्स लाइक काउंटिंग मनी। हमें बच्चे की डेली एक्टिविटीज में इन एक्टिविटीज को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, जैसे कि काउंटिंग मनी। अब हम बच्चे को मनी देते हैं, शुरू शुरू में उसे पैसा देते हैं कि जाओ तुम्हें जो लेके आने ले आओ, तो बच्चे को पता होता है कि मेरे को 10 रुपीज मिले हैं, 5 रुपीज मेरे को रिटर्न लेने हैं, या फिर मेरे को 2 टॉफीज मिली हैं, 2 पैकेट्स मिले हैं, 3 चॉकलेट्स मिली हैं। तो ये सारी हमें बच्चे की डेली रूटीन में चीजों को इंक्लूड करना चाहिए, जिससे उसको लिंक लगे कि हाँ भाई मैंने ये चीज सीखी थी, ये चीज मेरी रियल लाइफ में अप्लाई हो रही है। नेक्स्ट अब हमारे न्यूमेरिकल स्किल्स के बाद आता है अकेडमिक्स। अकेडमिक्स में हम क्या देखते हैं कि अडेप्ट द करिकुलम टिश्यू इंडिविजुअल नीड्स फोकसिंग ऑन स्ट्रेंथ एंड इंटरेस्ट। हमें एक ऐसा करिकुलम डेवलप करने के लिए ज्यादा फोकस करना चाहिए जिसमें बच्चे की स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट को भी इंक्लूड किया गया हो। यूटिलाइज असिस्टिव टेक्नोलॉजी लाइक अडेप्टिव कीवर्ड्स एंड वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर। हमें जितनी टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं उतनी टेक्नोलॉजी का यूज आज के टाइम में करना चाहिए, ताकि बच्चा चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ सके। जैसे कि अगर हमें एप्पल के बारे में बताना है, तो
हो सकता है कि हर जगह हम एप्पल अवेलेबल ना करा सके, तो वही हम टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको एप्पल का वीडियो, एप्पल के अंदर का बाहर का हर चीज उसको दिखा सकते हैं। एडेप्टिव कीवर्ड्स का यूज कर सकते हैं, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर्स का यूज कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं टेक्नोलॉजी के अंडर जो हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंट विजुअल एड्स लाइक चार्ट, डायग्राम और ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स, जैसे मैंने आपको भी एप्पल वाला एग्जाम्पल दिया कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा विजुअल एड्स का यूज किया जा सके, क्योंकि आप सभी जानते हो कि अगर हमें मल्टी सेंसरी अप्रोच के थ्रू पढ़ाया जाता है तो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। अब आप अपने आप को देख लो कि मैं आपको बता रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपना ये बोलते हुए का क्लिप भी तो डाल सकती हूँ, बट नहीं, आपको साइड में नोट्स दिख रहे हैं। क्यों? ताकि आप अपना मल्टी सेंसरी अप्रोच यूज कर सको, विजन यूज करो नोट्स को देखने के लिए, और अपना हियरिंग यूज करो ये ऑडियो, ये लेक्चर सुनने के लिए। तो ऐसे ही वो बच्चा तो बहुत छोटा है, तो हमें उसको चार्ट्स प्रोवाइड करने चाहिए, अलग अलग चीजें प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे वो अपना मल्टी सेंसरी यूज करके, मल्टी सेंसरी अप्रोच यूज करके चीजें ज्यादा अच्छे से सीख सके। नेक्स्ट, ब्रेक डाउन टास्क इनटू स्मॉलर स्टेप्स एंड प्रोवाइड फ्रीक्वेंट ब्रेक्स। हमें टास्क को छोटे छोटे टाइम पीरियड में ब्रेक डाउन करना चाहिए और उसको फ्रीक्वेंट ब्रेक्स भी देने चाहिए, जैसे कि अब आप 3-4 घंटे पढ़ सकते हो, बट छोटा बच्चा नहीं पढ़ सकता ना इतनी देर तक, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमने उसे एक स्टेप सिखा दिया, फिर उसे थोड़ा ब्रेक दो, फिर दूसरा स्टेप सिखा दिया, फिर उसे थोड़ा ब्रेक दो, जिससे उसकी एनर्जी भी बनी रहे एंड इंटरेस्ट भी मेंटेन रहे। नेक्स्ट, इनकरेज पीयर सपोर्ट एंड कोलैबोरेट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। हमें हमेशा बच्चे को पीयर सपोर्ट यानी कि ग्रुप लर्निंग, टीम वर्क सिखाना चाहिए, जिससे बच्चे की काफी चीजों में डेवलपमेंट होती है, बच्चे को कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी इनहेंस होती है, उसका इंटरेक्शन अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने साथ वाले बच्चों के साथ बातें करता है, उनके साथ पढ़ता है, उनके साथ खेलता है, उनके साथ कॉम्पिटिशन वाली फीलिंग भी उसके अंदर डेवलप होती है। तो हमें हमेशा पीयर सपोर्ट, कोलैबोरेटिव लर्निंग अपॉर्चुनिटीज यानी कि टीम वर्क वाली, ग्रुप लर्निंग वाली बात हमेशा हमें सपोर्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है फंक्शनल अकेडमिक्स। इसमें क्या होता है कि टीचिंग स्किल्स रिलेटेड टू डेली लिविंग, हमें ऐसी स्किल्स सिखाते हैं बच्चे को जिसमें डेली लिविंग स्किल्स होती हैं। अब हमने ऊपर अकेडमिक्स की बात कर ली, जिसमें हम पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं। फंक्शनल अकेडमिक्स होते हैं जिसमें हम पढ़ाई लिखाई से अलग बाकी एक्टिविटीज को इंक्लूड करते हैं, सच एज पर्सनल हाइजीन। अगर हम पर्सनल हाइजीन की बात कर ले, वही बाथिंग, ड्रेसिंग, टॉयलेटिंग। नेक्स्ट, कुकिंग, कि बच्चा किस तरह से कुकिंग में आप इंक्लूड कर लो बेसिकली पहले ईटिंग, बच्चा ढंग से खा रहे, गिराएना, फैलाएना, इन सब चीज़ों की बात। और बाकी कुकिंग में हम सैंडविच मेकिंग कह सकते हैं, ये सब बेसिक बेसिक टास्क हमें ध्यान रखने चाहिए कि बच्चा अपने डेली रूटीन में परफॉर्म करे। नेक्स्ट, मनी मैनेजमेंट, कि हाँ बच्चे को मनी मैनेजमेंट भी आना चाहिए डेली लाइफ में, वही कि कोई वो चीज़ लेने जा रहा है तो उसे कितना मनी रिटर्न मिलेगा, इस तरह से। नेक्स्ट, प्रैक्टिस फंक्शनल रीडिंग एंड राइटिंग सच एज रीडिंग साइंस एंड राइटिंग शॉपिंग लिस्ट। रीडिंग एंड राइटिंग भी हम इन्हेंस कर सकते हैं, किस तरह से? अगर बच्चे को हमने शॉपिंग लिस्ट दे दी कि जाके बिस्किट और टॉफी, चॉकलेट ये सब लिया, बच्चे को शॉपिंग लिस्ट दे दी, वो जा रहा है, अब वो वहां पे रीड करके बताएगा ना कि हाँ ये रीड है, या फिर उसकी मम्मा कह रही है मैं आपको डिक्टेट कर रही हूँ, आप शॉपिंग लिस्ट बनाओ, हम शाम को मार्केट जाएंगे। ऐसा तो होता है आज के टाइम, हमारे साथ भी होता है कि मम्मा कहती है डिक्टेट कर रही हूँ शॉपिंग लिस्ट बनाओ। तो वही बच्चे को जब छोटे से ही ये चीजें होंगी तो उसको ऐसे फील होगा, अच्छा फील होगा, सुपीरियर फील होगा कि हाँ मेरे को बोला जा रहा है और मेरे को ये चीज रेडी करनी है, या फिर मेरे को बोला गया है मेरे को मार्केट से सारी चीजें लेके आनी है। तो यही सब में बच्चे की रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स को भी सपोर्ट किया जा सकता है। इंट्रोड्यूस टाइम टेलिंग स्किल्स यूजिंग क्लॉक्स एंड डिजिटल डिवाइसेस। हमें बच्चे को टाइम टेलिंग स्किल्स भी इनहेंस करनी चाहिए, यानी कि बच्चे को टाइम का पता हो, उसे क्लॉक में टाइम देखना आता हो, डिजिटल डिवाइसेस का यूज करना आता हो। यही सारी बेसिक चीजें होती हैं जो आजकल के बच्चे तो वैसे भी जल्दी सीख लेते हैं, बट हाँ जो बच्चे स्पेशल एबल्ड हैं, जो बच्चे नॉर्मल बच्चों से अलग हैं, उस टाइम पे हमें ये वाली चीजें जो नॉर्मल बच्चा ऐसे सीख लेता है अपने डे टू डे लाइफ में, उसे बिना सिखाए ये सारी चीजें हमें उसे सिखानी चाहिए। इसलिए ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं कि इन सारे सेक्टर्स पे, इन सारे कॉन्सेप्ट्स पे हमें ध्यान देना चाहिए एक स्पेशली एबल्ड बच्चे के लिए। नेक्स्ट, फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। हमें फोकस करना चाहिए कि बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसके अंदर हो, डिसीजन मेकिंग स्किल्स उसके अंदर हो, जैसे कि हमने पजल की बात की थी। इसी तरह से अगर उससे दिख रहा है कि मेरे और मेरे बहन भाई की लड़ाई हो रही है,
तो हम उसका किस तरह से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपको अपने घर की एक कहानी बताऊं, तो मेरे छोटे बहन भाई हैं, वो बहुत ज्यादा लड़ते थे अपने फुटवेयर्स को लेके, जबकि एक लड़का एक लड़की, फिर भी उन्हें अपना भी पसंद आता था मगर सामने वाले का भी पसंद आता था। लाइक मेरे भाई को अपनी फुटवेयर भी पसंद आ रही बट मेरी बहन की भी आ रही है, एंड सेम मेरी बहन का सीन होता था। तो बिना किसी बड़े की हेल्प के, बिना किसी बड़े के कोई भी उनकी लड़ाई सॉल्व नहीं करवाता था, उन्होंने खुद ने ये सॉल्यूशन निकाला कि वो एक पैर में अपनी चप्पल पहनेंगे और दूसरे पैर में दूसरे की पहनेंगे। तो वो दोनों हमेशा लाइक अलग अलग चप्पल पहन के घूमते थे ताकि अपनी भी पहन सके और सामने वाले की पहन सके। तो ये वाला उन्होंने खुद ने सॉल्यूशन निकाला था बिना किसी बड़े की हेल्प के। तो ये क्या था, प्रॉब्लम सॉल्विंग था, क्या था ये, पीयर ग्रुपिंग था, कि हाँ आमने सामने इंटरेक्ट करके कम्युनिकेट करके उन्होंने सॉल्यूशन निकाला। फनी था बट हाँ बहुत ही एक्यूरेट एग्जाम्पल बना ये इस वाले टॉपिक के लिए। नेक्स्ट हम आते हैं सेल्फ एडवोकेसी की तरफ। अब सेल्फ एडवोकेसी क्या होता है, कि हम खुद के लिए किस तरह से स्टैंड ले रहे हैं। हमें अगर किसी गलत चीज के लिए डांट पड़ती तो हम स्टैंड लेते थे ना कि ये तो मैंने किया ही नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो सामने वाले ने भी किया, उसे भी डांटो। सेल्फ एडवोकेसी का मतलब ही यही होता है कि हम अपने राइट्स के बारे में, हम अपने जो भी चीज हमारी है या फिर कह लो हम अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, खुद के लिए सही बात के लिए लड़ रहे हैं। अब हम डेफिनेशन देखें तो इट मीन्स बीइंग एबल टू स्पीक फॉर योर सेल्फ अबाउट थिंग्स दैट आर इम्पॉर्टेंट टू यू, मतलब कि खुद के लिए बोलो उन चीजों के लिए जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इट डजंट मीन एग्रेसिवली मेकिंग डिमांड्स, इसका मतलब ये नहीं है कि गुस्से में अपने आप की ऐसे डिमांड पूरी करा कि नहीं मेरे को ये चाहिए चाहिए चाहिए, ये सेल्फ एडवोकेसी में नहीं आएगा। सही बात के लिए स्टैंड लेना सेल्फ एडवोकेसी के अंदर आता है। इट मीन्स नोइंग योर राइट्स, आपको आपके राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। वोकलाइजिंग योर नीड्स, अपनी नीड्स को नीड्स के लिए बोलो। इट इन्वॉल्व टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर डिसेबिलिटी, ये इन्वॉल्व करता है इसमें कि आप अपनी डिसेबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। नॉट एक्सपेक्टिंग अदर्स, किसी और से एक्सपेक्ट मत करो कि वो आके आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करेगा या फिर डिसीजन लेगा आपके लिए, ऐसी उम्मीद मत रखो। जो भी डिसेबिलिटी है उस बच्चे की, उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल रहे, अपने राइट्स के लिए खुद बोले, अपनी जरूरतों के लिए खुद बोले, हमेशा किसी और की तरफ ना देखे खुद की जरूरतें एक्सप्रेस करने के लिए या फिर खुद के डिसीजन लेने के लिए। अब सेल्फ एडवोकेसी के कुछ स्टेप होते हैं जो आपको ये रेड बॉक्स में दिख रहे होंगे। स्टेप वन, नो योर स्ट्रेंथ्स, सबसे पहले आपको आपकी स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि आपको आपके राइट्स के बारे में पता होना चाहिए कि हाँ मेरा ये राइट है ये राइट है। नेक्स्ट, बी अवेयर ऑफ योर वीकनेसेस, साथ ही साथ आपको आपकी वीकनेसेस के बारे में भी पता होना चाहिए, सामने वाला बंदा आके आपको कुछ टोक ना सके, इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई स्ट्रेटेजीज टू ओवरकम योर वीकनेसेस, इस तरह की स्ट्रेटेजीज को आइडेंटिफाई करो जो आपकी वीकनेसेस को ओवरकम करे, आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा दिखे। इफेक्टिवली कम्युनिकेट दोज नीड्स टू अदर्स, उसके बाद जो भी आपकी नीड्स है वो आप दूसरों से कम्युनिकेट करो कि हाँ भाई मेरे को ये चीज चाहिए ये चीज चाहिए, फिर भी अगर सामने वाला नहीं सुन रहा देन आप अपने राइट्स का यूज करो, जो भी आपको राइट्स आपको मिलते हैं उनका यूज करके आप खुद का स्टैंड लो। तो ये सब सेल्फ एडवोकेसी के अंडर में आता है। अब हमने राइट्स की बात कर ली कि जो भी आपके राइट्स हैं उनके लिए स्टैंड लो, तो राइट्स के लिए हम बात करते हैं सिविल राइट्स की, कि सिविल राइट्स क्या होते हैं। सर्टेन राइट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम दैट प्रोटेक्ट देयर एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन सोसाइटी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, ह्यूमन के कुछ राइट्स जो उसको एक कम्युनिटी में सोसाइटी में पार्टिसिपेट करने में हेल्प करते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कि उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, जो भी रूल्स हैं राइट्स हैं सबके लिए इक्वल हैं तो सबके लिए वो इक्वल ही रहेंगे। ऐसा नहीं कोई गरीब है तो उसके लिए कम फॉलो किए जाएंगे, कोई अमीर है उसके लिए ज्यादा किए जाएंगे, नहीं, राइट्स बनाए ही इसलिए जाते हैं कि गरीब अमीर सब एक ही लेवल पे रहें विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। अब हम डिसेबिलिटी सेक्टर में बात कर लेते हैं, तो डिसेबिलिटी से रिलेटेड कुछ राइट्स कौन कौन कहाँ कहाँ से हमें पता लग सकते हैं। पहला, RPWD एक्ट 2016 के अंदर काफी सारे राइट्स हैं डिसेबल्ड पर्सन के लिए, जो हर डिसेबल्ड पर्सन को पता होने चाहिए अपने राइट्स क्लेम करने के लिए। रिहेबिलिटेशन एक्ट है, इंडिविजुअल डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट 1975 है, इस तरह से बहुत सारे एक्ट हैं जो आप कुछ भी एग्जांपल लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल शो कर दिए, ऐसे आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो जिधर एक डिसेबल्ड पर्सन के राइट्स मेंशन किए गए हों। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक आता है हमारे पास लीजर एंड रिक्रिएशन, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
कि लीजर क्या होता है और रिक्रिएशन क्या होता है। तो और ये मैंने ऊपर नीचे लिख दिया, लीजर रेफर्स टू द फ्री टाइम दैट पीपल कैन स्पेंड अवे फ्रॉम देयर एवरीडे रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लीजर उस टाइम को, उस फ्री टाइम को कहा जाता है जो पर्सन स्पेंड करते हैं अपने डे टू डे टास्क से अलग, जैसे कि हमारा काम है स्कूल जाना या फिर कॉलेज जाना या फिर जो भी, उसके बाद हमारा जो भी स्पेयर टाइम बचता है उसको लीजर कहा जाता है, जैसे कि वर्क एंड डोमेस्टिक टास्क टू रेस्ट रिलैक्स एंड एंजॉय लाइफ, जो हम यूज करते हैं रेस्ट रिलैक्स और टाइम लाइफ को एंजॉय करने के लिए। इट इज ड्यूरिंग लीजर टाइम दैट पीपल पार्टिसिपेट इन रिक्रिएशन एंड स्पोर्टिंग एक्टिविटीज। लीजर टाइम वो होता है जो हमारा फ्री टाइम होता है, यानी कि जो हमने जरूरी काम कर लिया, कॉलेज जाना जरूरी है, पढ़ाई करना जरूरी है, हमने ये काम कर लिया, उसके बाद जो हमारे पास फ्री टाइम बचा इस टाइम को लीजर टाइम कहा जाता है। अब इस लीजर टाइम में हम क्या काम कर रहे हैं उसको रिक्रिएशन कहा जाता है। जैसे कि मैं कॉलेज जा रही हूँ, मैं कॉलेज जाके आ गई, खाना वाना खा लिया, अब मेरे पास ये फ्री टाइम है, तो इस फ्री टाइम में मैं क्या कर रही हूँ, ये वीडियोस बना रही हूँ, ये लेक्चर्स रिकॉर्ड करूंगी, फिर इन्हें अपलोड करूंगी, इन्हें एडिट करूंगी, तो ये सब क्या है, रिक्रिएशन है ये, कि मैंने अपने लीजर टाइम को किस तरह से यूज किया। तो ये लीजर होता है कि हमारे पास क्या फ्री टाइम है, और रिक्रिएशन होता है कि हम उस फ्री टाइम में कौन सा टास्क कर रहे हैं। रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज, उन सारी एक्टिविटीज को कहा जाता है जो एक पर्सन चूज करता है अपनी बॉडी को रिफ्रेश करने के लिए, माइंड को रिफ्रेश करने के लिए, और अपने लीजर टाइम को मोर इंटरेस्टिंग एंड इंजॉयबल बनाने के लिए, यानी अपने इस खाली टाइम को और ज्यादा इंजॉयबल इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कोई पर्सन कौन सा टास्क कर रहा है, तो वो टास्क रिक्रिएशन होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ रिक्रिएशन एक्टिविटीज कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे वॉकिंग, स्विमिंग, मेडिटेशन, रीडिंग, प्लेइंग गेम्स, डांसिंग एंड सो ऑन, जैसे कि जो भी हम फ्री टाइम में करते हैं वो सब रिक्रिएशन में आता है। तो यहीं पे हमारा खत्म होता है यूनिट 3। मैंने यूनिट 3 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। सेल्फ एडवोकेसी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100%। मैं आपको एक बार फिर से स्क्रीन पे दिखा देती हूँ, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, तो इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, सेल्फ एडवोकेसी में से, लीजर रिक्रिएशन में से भी क्वेश्चन आ सकता है, एंड ADL में से भी आपका 2 मार्क क्वेश्चन बन सकता है। तो पेपर 5 के यूनिट नंबर 3 में यही कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो आपको जाननी थी। इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 3 कंप्लीट होता है यूनिट नंबर 4 की, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जो टर्म्स है आपको बेसिकली इन टर्म्स के बारे में समझना है कि इन कौन सी टर्म क्या चीज डिनोट करती है, किसका क्या मतलब होता है, कैसे यूजफुल होती है, किस तरह से बेनिफिशियल होती है, एंड दैट्स इट। बाकी आप अपना बना के लिख सकते हैं। एंड इस वाली यूनिट में हमें बेसिकली करिकुलम के बारे में पढ़ने की, हमारे कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ करिकुलम्स होते हैं, जिसमें से पहला हमारे पास आता है स्पायरल करिकुलम। स्पायरल करिकुलम डिजाइंड इन विच की कॉन्सेप्ट्स आर प्रेजेंटेड रिपीटेडली थ्रू आउट द करिकुलम। स्पायरल करिकुलम एक ऐसा वे है कोई भी चीज को समझाने का जिसमें हम इंपॉर्टेंट थिंग्स को रिपीटेडली प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे तो हमारा जो स्पायरल होता है तो इस शेप में होता है ना, यानी कि आगे एक स्टेप बढ़ रहा है बट फिर पीछे आ रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है फिर पीछे आ रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है फिर पीछे आ रहा है, यानी कि हम कोई भी नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले हमारी प्रीवियस नॉलेज को रिवाइंड करते हैं, रिवाइज करते हैं, बेसिकली उसके की पॉइंट्स को पकड़ के चलते हैं जिससे एक डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। बट विद डिपेंडिंग लेयर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी और इन डिफरेंट एप्लीकेशन, सच ट्रीटमेंट अलाउज द अर्लियर इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट ट्रेडिशनली रिजर्व फॉर लेटर मोर स्पेशलाइज कोर्सेज इन द करिकुलम आफ्टर स्टूडेंट्स हैव मास्टर सम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दैट आर ऑफ्टन वेरी थियोरटिकल एंड लाइकली टू डिस्करेज स्टूडेंट्स हु आर अर्ली टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट दे आर लर्निंग टू रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। यानी कि यही बात है स्पायरल करिकुलम में, आपको मेन यही समझना है कि जब कोई भी स्टूडेंट, कोई भी लर्नर हमारे प्रीवियसली जो उनको सिखाए गए हैं उन की पॉइंट्स में मास्टर हो जाते हैं तब उसको आगे का समझाया जाता है। और हाँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है, क्योंकि अगर हम बात करें एक सेशन की तो एक सेशन मोस्टली 40 to 45 minutes का होता है। 45 मिनट मैक्सिमम टाइम है, 45 मिनट से ज़्यादा हम किसी भी स्पेशल चाइल्ड को नहीं देते हैं एक सेशन के लिए। तो अगर हम उसकी प्रीवियस नॉलेज को रिवाइज कर रहे हैं तो आप ये समझ सकते हो कि हमारे अराउंड 15 to 18 मिनट्स उसमें लग जाते हैं।
फिर हमारे पास लेफ्ट ओवर टाइम बचता है अराउंड 30 मिनट्स का, जिसमें हमें उसको आगे की नई चीज़ें सिखानी होती है। तो हाँ, इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि अगर बच्चे को पीछे थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है तो आपको वही चीज़ वापस से रिवाइंड करनी होगी। इन शॉर्ट, बच्चे का जो आपने करा दिया है उसमें मास्टरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अकेडमिक करिकुला। अकेडमिक करिकुला इज अ सिस्टम ऑफ टीचिंग मैथड दैट एंगेजेस स्टूडेंट इन लर्निंग नॉलेज एंड स्किल्स थ्रू एक्सटेंडेड इंक्वायरी प्रोसेस स्ट्रक्चर्ड अराउंड कॉम्प्लेक्स ऑथेंटिक क्वेश्चंस एंड केयरफुली डिजाइन प्रोडक्ट्स एंड टास्क। तो बेसिकली अकेडमिक करिकुला हमारा फोकस करता है बच्चों की अकेडमिक्स की साइड पे। ऑफकोर्स आपको नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हम बच्चे के मोरल्स और वैल्यूज और स्पिरिचुअल थिंग्स को इग्नोर करके या फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना देके उसकी नॉलेज और स्किल्स पे वर्क करते हैं। जैसे कि अगर हम नॉर्मल स्कूल की बात करें तो ऑफकोर्स अकेडमिक पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, हमें मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, एनवायरमेंटल साइंस, एसएसटी, ये सारी चीज़ें ज़्यादा पढ़ाई जाती हैं। तो इसमें हम बच्चे की बेसिकली नॉलेज और स्किल्स पे ज़्यादा वर्क करते हैं। ये भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, क्योंकि आप सब ने पढ़ा होगा कि देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर्स, अलग अलग तरह के लर्नर्स होते हैं, प्रिंट लर्नर्स, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, टैक्टाइल, ये सारे अलग अलग तरह के लर्नर्स होते हैं। तो हमें इन सब के अकॉर्डिंग अपना अकेडमिक का करिकुलर प्रेजेंट करना चाहिए। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स टास्क रहता है, बट हाँ, ये बच्चे की बेसिकली नॉलेज और स्किल्स पे फोकस करता है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे ही अकेडमिक करिकुला आए तो इसमें आपको नॉलेज और स्किल्स के बारे में बात करनी है, जैसे ही स्पाइरल करिकुला आए तो इसमें आपको रिपीटिंग इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, इस वाली लाइन को याद रखना है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे फंक्शनल करिकुला की तरफ। अ फंक्शनल करिकुला इज अ करिकुलम दैट फोकसेस अपॉन इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स एंड वोकेशनल स्किल्स। तो फंक्शनल करिकुला बेसिकली फोकस करता है हमारे इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स और वोकेशनल स्किल्स की तरफ, इन फेजिंग कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल्स, जिसमें हमारे कम्युनिकेशन और सोशल स्किल्स को भी कवर करता है। स्टूडेंट्स एट द सेकेंडरी लेवल हु आर प्राइम कैंडिडेट्स फॉर सच अ करिकुलम आर आइडेंटिफाइड। द प्रोसीजर फॉर असेसिंग स्टूडेंट्स फॉर प्लेसमेंट इन द करिकुलम इज डिस्क्राइब्ड एज वेल एज द मेथड्स फॉर द टीचिंग इन सोशल स्किल्स एंड प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन कम्युनिटी बेस्ड जॉब्स। यानी कि जो फंक्शनल करिकुलम होता है, इसे हमारे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस से कोई मतलब नहीं होता। ये हमारे इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए और सोशल स्किल्स के लिए वर्क करता है, कि हमारी सोशल स्किल्स कैसी है, हम लोगों के साथ इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, कम्युनिटी में अपने आप को किस तरह से सेटल कर रहे हैं। और इंडिपेंडेंट लिविंग में आ जाता है कि हमारा लाइक ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी भी आप इसमें ले सकते हो, कि हमारे अंदर कितनी इंडिपेंडेंसी है एक स्पेशल चाइल्ड के अंदर, कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके या फिर अपने सारे खुद के काम कर सके, ग्रूमिंग, इंटिंग, ये सारी चीज़ें आ जाती है। एंड या हाइजीन लाइक बाथिंग, टॉयलेटिंग, ब्रशिंग, ये सब भी इसके अंदर आता है। तो आपको फंक्शनल करिकुलम से ये याद रखना है कि अकेडमिक्स की तरफ ज़्यादा फोकस नहीं करता है, ये बच्चे की सोशल स्किल्स और इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स की तरफ फोकस करता है। आप ये ध्यान रखो कि आपको जो भी करिकुलम है उसके लिए आपको कुछ कुछ दो तीन कीवर्ड्स पकड़ते चलने हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप उस वर्ड को पकड़ के पूरा का पूरा पैराग्राफ लिख सकते हो, क्योंकि अगर आपने लेसन प्लान बनाए हैं इतने सारे, आपने फर्स्ट ईयर में बहुत सारे बनाए होंगे, आई थिंक 50 तो बनाए ही होंगे, तो आपको बहुत अच्छा आइडिया हो गया होगा कि अगर बच्चे की फंक्शनल स्किल पे हम वर्क कर रहे हैं तो हमें उसमें बाथिंग, ईटिंग, टॉयलेटिंग, ओरिएंटेशन, मोबिलिटी, ग्रूमिंग, ब्रशिंग, ये सब इंक्लूड करते हैं। अकेडमिक्स में हम बच्चे का लाइक कम्युनिकेशन या फिर कोई भी रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव स्किल्स इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, ये सब इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है थीमेटिक करिकुलम। द थीमेटिक करिकुलम अप्रोच इज अ प्रोसेस दैट इंटीग्रेट्स लर्निंग एंड टीचिंग विद अ स्पेसिफिक थीम। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिधर हम टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस को एक स्पेसिफिक थीम के अंदर प्रोसीड करते हैं, कि अगर हम लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस कर रहे हैं, कंडक्ट हो रहा है, तो ये किस थीम के अंडर में होएगा। द थीमेटिक करिकुलम इंक्रीजेज अ नेचुरल फ्लो ऑफ लर्निंग रेदर देन रोट लर्निंग। थीमेटिक करिकुलम हमेशा फोकस करता है कि बच्चे को नेचुरली चीजें याद हो, कंज्यूम हो, इंस्टेड ऑफ रोट मेमोराइजेशन। आपको पता है हमारी एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत रोट मेमोराइजेशन को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, स्पेशली जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, डिसेबल्ड चाइल्ड होते हैं, उनके लिए तो रोट मेमोराइजेशन बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। उन्हें चीजों को समझना चाहिए, प्रॉपरली कंज्यूम करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ रट्टाफिकेशन वाली चीज।
टीचर्स एक्टिवली वर्क विद स्टूडेंट्स टू हेल्प देम डेवलप डिफरेंट स्किल्स. जो टीचर्स हैं उन्हें बच्चों के साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए उन्हें डिफरेंट स्किल्स में मास्टरी कराने के लिए, जैसे कि थिंकिंग, क्योंकि थिंकिंग एबिलिटी कैसी है. कुछ बच्चे होते हैं जैसे कि अगर हम स्लो लर्नर्स की बात करें या फिर IDD की बात करें, उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या हैं या फिर उन्हें कौन सी एक्टिविटी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो इस चीज़ के बारे में कभी सोचते ही नहीं है. उन्हें जो कराया जाता है वो कर लेते हैं या फिर जो भी एक्सटर्नल हेल्प चाहिए होते हैं वो लेके वो टास्क को कम्प्लीट कर लेते हैं. वो इस चीज़ के बारे में सोचते ही नहीं है कि मेरे को पर्सनली क्या पसंद है. रीडिंग, राइटिंग, मेमोराइजिंग, प्लेइंग, ये सारी स्किल्स पे एक टीचर को, एक टीचर ट्रेनिंग को ज़रूर वर्क करना चाहिए कि बच्चे की रीडिंग कैसी है, राइटिंग कैसी है, क्योंकि ये सभी बच्चे की एक्सप्रेसिव और रिसिप्टिव और एक्सप्रेसिव स्किल्स के अंदर आता है. मेमोराइजिंग, बच्चे को कितना याद रहता है. ये तो है कि बच्चा अभी समझ रहा है, अभी इंटरेक्ट कर रहा है, बट विद इन 5 मिनट्स वो भूल जाए कि उसने क्लासरूम में या फिर उस पर्टिकुलर सेशन में क्या सीखा था. तो बच्चे का मेमोराइजेशन भी बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है. प्लेइंग बच्चे का ज़रूरी नहीं है कि अकेडमिक्स में अच्छा है तो बच्चा बहुत अच्छा, नहीं, बच्चे की प्लेइंग पे भी हमें फोकस करना चाहिए, उसकी फिजिकल हेल्थ की तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए रिलेटेड टू रियल लाइफ सिचुएशंस. और ये सारी चीज़ें हमें रियल लाइफ सिचुएशंस के अंदर ध्यान देनी चाहिए. स्टूडेंट्स इंक्वायर, एक्सप्लोर एंड इनोवेट विद द हेल्प ऑफ द डाइवर्स थीमेटिक करिकुलम. जो थीमेटिक करिकुलम होता है ये हेल्प करता है बच्चे को इंक्वायर करने में, एक्सप्लोर करने में, इनोवेटिव बनाने में. द फाउंडेशंस ऑफ दिस करिकुलम इज द अटेनमेंट ऑफ द नॉलेज दैट स्टूडेंट्स गेन फ्रॉम द कोहेरेंट लर्निंग मैथड. ऑल्सो हेल्प स्टूडेंट्स एस्टेब्लिश कनेक्शंस बिटवीन द सब्जेक्ट रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर थीम. तो ऑफकोर्स बच्चे सब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशन बना पाते हैं एंड सो ऑन. बस ये है कि आपको थीमेटिक करिकुलम में ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बच्चे की डिफरेंट स्किल्स पे वर्क किया जाता है, थिंकिंग, राइटिंग, मेमोराइजिंग, प्लेइंग एक्सेट्रा पे, एंड उसको एक प्रॉपर थीम या फिर एक अलग मेथड अपनाया जाता है उसका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्रोसीड करने के लिए. स्टेप हाउ टू डिज़ाइन अ थीमेटिक करिकुलम. अब आपको कुछ स्टेप्स भी बताए गए हैं थीमेटिक करिकुलम को डिज़ाइन करने के लिए. फर्स्टली यू नीड टू चूज द थीम कि आपको किस थीम को लेके काम करना है. आपको पहले वो थीम चूज करनी होगी. देन यू नीड टू डिज़ाइन द इंटीग्रेटेड थीमेटिक करिकुलम. अब आपने थीम चूज कर लिया है, अब आपको करिकुलम डिज़ाइन करना है उस थीम को ध्यान में रखते हुए. डिज़ाइन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस विल इंक्लूड टीम वर्क बाय द सब्जेक्ट्स मैटर एक्सपर्ट्स. अब आपने करिकुलम तो डिसाइड कर लिया, साथ में आपको इंस्ट्रक्शंस भी डिसाइड करनी है कि अगर आप वो करिकुलम को कंडक्ट करते हैं तो आप कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस के साथ कंडक्ट करेंगे. एंड लास्ट इंकरेज, कि आपको बच्चे को इंकरेज करना है. ऑफकोर्स जैसे कि मेरे पास मोटिवेशन नहीं था तो मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो ऐसे ही बच्चे के पास मोटिवेशन होना चाहिए तभी वो आगे काम करेगा. तो इसलिए आपको बच्चे को हर चीज़ में इंकरेज करना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट एक्सपेंडेड कोर करिकुलम ECC. दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए मैंने इस नोट्स में डाला है. तो आपको ECC के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए. फर्स्टली इसकी फुल फॉर्म, क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन में पार्ट ए में ये पूछ लिया जाता है. तो ECC की फुल फॉर्म होती है एक्सपेंडेड कोर करिकुलम. अभी क्या होता है, तो ये हमें बेसिकली फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है इंस्ट्रक्शंस का इन अ स्पेशलाइज सेट ऑफ विजन रिलेटेड स्किल्स. ये हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है स्पेशली इंस्ट्रक्शंस के साथ, और ये फोकस करता है विजुअल रिलेटेड स्किल्स के ऊपर जो ब्लाइंड या फिर विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं. व्हाइल स्टूडेंट्स हु आर ब्लाइंड एंड विजुअली इम्पेयर्ड आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो द सेम करिकुलम एज द साइटेड पीयर्स. जो ब्लाइंड चिल्ड्रन होते हैं उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सेम करिकुलम फॉलो करें जो एक नॉर्मल चाइल्ड यानी जो देख सकता है वो बच्चा फॉलो करता हो. देयर आर सर्टेन एरियाज इन विच दे नीड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस. कुछ सर्टेन एरियाज हो सकते हैं जिधर उनको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस की नीड हो बिकॉज दे आर विजन लॉस. मीन्स एक नॉर्मल बच्चा और एक ब्लाइंड बच्चा, इन दोनों से उम्मीद की जाती है कि ये सेम करिकुलम सेम लेवल पे फॉलो करें. बट हाँ, कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे एक्स्ट्रा नीड की जरूरत हो सकती है बिकॉज उसका साइट नहीं है, ही इज ब्लाइंड, ही और शी इज ब्लाइंड, इसलिए हो सकता है कि हमें कुछ जगह सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़े. बट हाँ, ऑल ओवर ऐसी कोई भी चीज़ हमें नहीं छोड़नी है जिसमें वो पीछे रह जाए. तो ये कहता है हमारा ECC. द एक्सपेडिट कोर करिकुलम इज अ बिल्ड अराउंड 9 core components. जो हमारा ECC है बेसिकली 9 core components के अराउंड में बना है. दे टेक क्लासेज डेडिकेटेड टू बिल्डिंग देयर स्किल्स. ये क्लासेज भी दी जाती है इनकी स्किल्स को बिल्ड करने के लिए, इन 9 skills को बिल्ड करने के लिए. अब ये 9 areas कौन से हैं, आपको इन 9 areas के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है. कहाँ गए
पहला असिस्टिव टेक्नोलॉजी, कि आप हमेशा असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज करो। कैरियर एजुकेशन, कैरियर के बारे में आपको एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। कंपनसेटरी स्किल्स को भी ध्यान देना चाहिए। इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स को हमें ऑफकोर्स प्रायोरिटाइज करना चाहिए। ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, कि बच्चे का ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी कैसा है, एक जगह से दूसरी जगह जाने का उसकी कितनी एबिलिटीज हैं। रिक्रिएशन एंड लीजर, यानी कि वो अपने फ्री टाइम में कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलम या फिर कौन सी वोकेशनल एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। सेल्फ डिटर्मिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेंसरी एफिशिएंसी, कि अपने 5 senses का यूज करके किस तरह से इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करता है। सोशल इंटरेक्शन स्किल्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी के साथ हमारा ECC भी खत्म होता है, एंड इतना ही आपका यूनिट नंबर 4 में इंपॉर्टेंट है पेपर नंबर 5 से। एंड जहाँ तक मेरे को लगता है कि इस पूरी यूनिट में से आपको पता है कि आपके एक टेस्ट में पूरा पेपर कवर करना है, 5 यूनिट है, 5 यूनिट में 5 sub topic भी है, जैसे कि यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, फिर उसमें 1.1, 1.2 टिल 1.5, ऐसे ही सारी यूनिट्स का है। तो इट्स अराउंड 25 topics, और फिर उसके अंदर भी आप कितनी सारी, जैसे कि अलग अलग करिकुलम के बारे में एक ही थीम में दे देते हैं, तो एक यूनिट से 1 या 2 question मुश्किल से बनते हैं। तो आपके पेपर नंबर 5 की यूनिट नंबर 4 में से ECC इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसके बारे में आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से जानना है। प्लस आप अलग अलग करिकुलम के बारे में पढ़ सकते हैं, जिसमें से 2 mark question बन सकते हैं कि आपसे एक पर्टिकुलर करिकुलम के बारे में पूछ लिया जाएगा, आपको इस करिकुलम के बारे में बताना है। तो दैट्स इट फॉर द यूनिट नंबर 4 ऑफ पेपर नंबर 5। इस वीडियो में हमें बात करनी है यूनिट नंबर 5 की। तो यूनिट नंबर 5 के हम सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए चलेंगे, जिसके बाद आपका पेपर नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक 5.1। 5.1 में हमें अलग अलग स्किल्स के बारे में पढ़ना है कि हम कैसे मल्टीपल डिसेबल्ड बच्चे के लिए वर्क करते हैं। तो उन अलग अलग स्किल्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करी जाती हैं, यानी क्या क्या चीज़ें उन स्किल्स के अंडर में आती हैं। जैसे कि व्हाट इज़ मोटर स्किल्स, आपको सबसे पहले समझना होगा कि मोटर स्किल क्या होती है। अगर आपको ये क्लियर हो जाएगा तो आपके पेपर में कोई भी मल्टीपल डिसेबिलिटीज आपको दे दी जाएँ, कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा डिसेबिलिटीज का कॉम्बिनेशन आपको दे दी जाएँ, तो आप लिख सकोगे कि उस बच्चे को क्या दिक्कत रहेगी मोटर स्किल्स के अंडर में, क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मोटर स्किल्स क्या है। इसलिए हम सबसे पहले बात करेंगे मोटर स्किल्स क्या होती हैं। इज़ अ फंक्शन दैट इन्वॉल्व स्पेसिफिक मूवमेंट ऑफ द बॉडी मसल्स। ये एक ऐसी स्पेसिफिक मूवमेंट होती है जिसमें हमारी बॉडी मसल्स की मूवमेंट को इंक्लूड किया जाता है टू परफॉर्म अ सर्टेन टास्क, कुछ सर्टेन टास्क को परफॉर्म करने के लिए। और ये टास्क होते हैं वॉकिंग, रनिंग, बाइक, राइडिंग अ बाइक एक्सेट्रा। इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस मसल द बॉडी नर्वस सिस्टम, नर्व्स, मसल्स एंड ब्रेन हैव टू वर्क टुगेदर। और इन्हीं सारे टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमारे नर्वस सिस्टम, मसल्स और ब्रेन्स को साथ में कोऑर्डिनेट करके परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। अब आपको पता है, सपोज कोई IDD का बच्चा है एंड ये सीवियर या प्रोफाउंडली IDD है, सीवियर या प्रोफाउंडली IDD है, तो हो सकता है कि उसकी मोटर स्किल्स उतनी अच्छी ना हो। क्यों? क्योंकि उसके ब्रेन का कोऑर्डिनेशन उतना परफेक्ट नहीं है। एंड आप मोटर स्किल्स में ये भी देख सकते हो कि हमारे पास 2 motor skills होती हैं, एक ग्रोस और एक फाइन। ग्रोस मोटर स्किल्स होते हैं जो बेसिकली हमारे बिग मसल्स की तरफ काम करती हैं, जैसे कि वॉकिंग में, रनिंग में। एंड फाइन मोटर स्किल्स होती हैं जो हमारे स्मॉल मसल्स की तरफ काम करती हैं, जैसे कि ये हैंड्स की फिंगर्स के बीच में जो मसल्स होते हैं जिससे हमारी ये फिंगर मूव करती है, इस तरह से। नेक्स्ट हम आते हैं सेंसरी डेवलपमेंट, सेंसरी स्किल्स की तरफ, कि हमारी सेंसरी स्किल्स कौन सी होती है। अभी हमने ग्रोथ स्किल्स के बारे में पढ़ा, अभी हमने मोटर स्किल्स के बारे में पढ़ा, तो अब हम पढ़ेंगे सेंसरी स्किल्स के बारे में। तो सेंसरी स्किल्स बेसिकली डेवलप रिलेट्स टू अवर सेंसेस, आपको नाम से ही पता चल रहा है, तो ये हमारे सेंसेस को डेवलप करने के लिए काम करती है। अब हमारे कौन से सेंस होते हैं? 5 sense होते हैं, विजन, हियरिंग, टच, टेस्ट, स्मेल। तो ये 5 sense को अच्छे से किस तरह से यूज करना है, ये एक बच्चे को आना चाहिए फॉर द बेटर परफॉर्मेंस, विच अलाउज अस टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड अराउंड अस। और यही सारी सेंसेस हमें हेल्प करती है हमारे आसपास के वर्ल्ड को फील करने के लिए। जैसे कि हमारी आंखें हैं तभी तो हम नेचर की खूबसूरती को देख पाते हैं, हमारा हाथ है तभी तो हम ठंडा गर्म पता कर पाते हैं, हमारी टंग है इसलिए तो हम वेरियस टेस्ट कर पाते हैं, अलग अलग चीज़ों का स्वाद हम ले पाते हैं, ईयर है इसलिए तो हम बर्ड्स की, ट्रैफिक की, म्यूजिक ये सब सुन पाते हैं, एंड नोज है इसलिए हम अच्छी अच्छी फ्रेग्रेंसेस सुन पाते हैं कि हाँ कौन सा फ्लावर किस तरह से स्मेल करता है,
कौन सा ड्यू या परफ्यूम कैसा होता है या फिर जो बैड स्मेल होती है वो कैसी होती है, तो ये सारा हमारे सेंसेस की वजह से हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं। सेंसरी प्लेस हेल्प्स लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो सेंसरी होती है ये हमारे लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है, कॉग्निटिव ग्रोथ में भी हेल्प करती है, फाइन मोटर स्किल्स में और ग्रोस मोटर स्किल्स में भी हेल्प करती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड सोशल इंटरेक्शन स्किल्स को भी इम्प्रूव करती है। इसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट आता है पर्सनल स्किल्स। पर्सनल स्किल्स होती है कि बच्चा अपने पर्सनल टास्क को किस तरह से परफॉर्म कर पा रहा है। अब आपके पास कोई फिजिकली इम्पेयर्ड का दे दे मल्टीपल डिसेबिलिटी के अंदर में, तो आपको पता है कि हो सकता है अगर उसको सीवियर या प्रोफाउंडली फिजिकल डिसेबिलिटी है तो वो अपनी पर्सनल स्किल्स को अच्छे से परफॉर्म ना कर पाता हो, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि पर्सनल स्किल्स के अंदर क्या क्या आता है। बाथिंग, टॉयलेटिंग, ग्रूमिंग, ब्रशिंग, हाइजीन, ये सब हमारा पर्सनल स्किल्स के अंदर में आता है। नेक्स्ट हमारे पास है सोशियो इमोशनल स्किल्स। तो ये क्या होती हैं? दीज स्किल्स आर एसेंशियल फॉर कनेक्टिंग विद अदर्स। आपको नाम से ही पता चल रहा है सोशल इमोशनल स्किल्स, यानी कि ये हमारी सोशल स्किल्स पे वर्क करती हैं, जो हमें बाकी लोगों से कनेक्ट करने में हेल्प करती है। दे हेल्प अस मैनेजिंग अवर इमोशंस, ये हेल्प करती है हमारे इमोशंस को मैनेज करने में, हमारा हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करने में और एम्पैथी फील करने में। सब एग्जांपल्स ऑफ सोशियो इमोशनल स्किल्स आर, कुछ एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? रिकॉग्नाइजेस इफ समवन इज सैड एंड आस्किंग इफ दे आर ओके। अगर हम किसी को देख रहे हैं हमें लग रहा है उदास है, सपोज हमारा कोई फ्रेंड होता है या फिर कोई टीचर ही होती है, तो हम बोलते हैं ना, क्या हुआ आज आप उदास हो? क्यों? क्योंकि हमारी सोशियो इमोशनल स्किल्स है कि हम रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं सामने वाला पर्सन उदास है, तो इसलिए हम जाके पूछते हैं आर यू ओके, क्या आप सही हो। नेक्स्ट, एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ विद योर फ्रेंड्स इन अ डिफरेंट वे देन योर पेरेंट्स। आप अपने फ्रेंड्स के साथ एक अलग तरीके से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पा रहे हो जैसे आप अपने पेरेंट्स के साथ नहीं करते हो, तो ये भी क्या है? सोशियो इकोनॉमिक स्किल्स है कि आपको पता आपको अपने वर्ड्स का या फिर अपने एक्सप्रेशंस का या फिर अपनी फीलिंग्स को किस तरह से किसके सामने किस हद तक एक्सप्रेस करना है। अंडरस्टैंडिंग योर थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड बीइंग एबल टू रिलेट टू अदर्स, अपने खुद के थॉट्स को फीलिंग्स को समझना और दूसरे से रिलेट कर पाना। आपको पता होगा कि आपको ये बात सुन के बुरा लगा और सेम आपको सामने वाला बताएगा, तो आपको लगेगा ना कि हाँ मैं तो रिलेट कर पा रहा हूँ। आप उसे कहोगे ना येस आई अंडरस्टैंड, क्यों? क्योंकि आपको भी सेम फील होता है, या फिर चलो आपको अलग भी फील होता है तो आप उसे बताओगे नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ था बट मैंने तो ऐसा फील नहीं किया है। तो आपको अपने खुद के थॉट्स और फीलिंग्स को लेके क्लियर रहना चाहिए जिससे आप सामने वाले के साथ रिलेट या फिर डिसएग्री या फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख सको। नेक्स्ट हमारे पास आता है कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज स्किल्स। इसमें क्या आता है? कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट इज अबाउट मोर देन टॉकिंग। ये बहुत बड़ा वाइड कॉन्सेप्ट है बात करने से अलग। आप कम्युनिकेशन और लैंग्वेज से क्या समझते हो जब दो जने ओरली बात कर रहे हो? बट नहीं, इससे बहुत ये भी एक छोटू सा पार्ट है। कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है तो टॉकिंग उसका इतना सा पार्ट है कि किस तरह से कोई भी इंसान अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है या फिर सामने वाली फीलिंग्स को या फिर सामने वाली की बातों को रिसीव कर रहा है, वो सारे मोड्स इंक्लूड किए जाते हैं कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज में, जिसका एक छोटू सा पार्ट टॉकिंग भी है। इट मीन्स ऑल द डिफरेंट वेज अ चाइल्ड अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट्स, और सारे के सारे तरीके जिससे एक बच्चा समझता है और बात करता है। ओनली पार्ट ऑफ विच दे आर स्पोकन वर्ड्स। स्पोकन वर्ड्स भी एक इसका पार्ट है बट सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है। पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स प्ले अ बिग रोल इन चाइल्ड कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। और पेरेंट्स और केयर गिवर्स होते हैं ये चाइल्ड की लैंग्वेज डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा होता है, अगर हम उसे मम्मा पा 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 बा 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 ये सब बुलवाते हैं तो ऑफकोर्स उसका कम्युनिकेशन लैंग्वेज बहुत अच्छे से डेवलप हो पाता है क्योंकि उसने शुरू से ये सारी साउंड्स को सुना है। बट वहीं ऐसे कोई पेरेंट्स और जो बच्चे साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे हैं तो फिर ऑफकोर्स उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि उसने उन साउंड्स को इतनी नज़दीक से फील करके नहीं सुना है। अब हम एक बच्चे का हाथ लेके उसके हाथ पे से बुलवाएं अगर बा 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 पा पा पा, तो ऑफकोर्स उसको कितने अच्छे से चीज़ें समझ आ पाएंगी क्योंकि वो इन सारी वाइब्रेशंस को अपने हाथ पे फील करेगा, अपनी चीक पे फील करेगा। आपने देखा होगा कुछ पेरेंट्स ऐसे बच्चे की चीक पे जाके बोलते हैं मम्मा बा 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 बा, क्योंकि बच्चे को वो वाइब्रेशंस फील होती हैं जिसकी वजह से वो ज़्यादा जल्दी साउंड्स को कैच कर पाता है। इसी के साथ नेक्स्ट हमारा आता है रिक्रिएशन एंड लीजर एक्टिविटीज़। दे कैन टेक प्लेस एनी टाइम एंड एनी वे। बेसिकली रिक्रिएशन एंड लीजर एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो आप अपने फ्री टाइम में
परफॉर्म करते हो अपनी अदर स्किल्स को डेवलप करने के लिए, जैसे कि स्विमिंग या फिर वॉकिंग या फिर एक्सप्लोरिंग सैंड्स एंड शेल्स ऑन द बीच, या फिर प्लेइंग, मेकिंग कलेक्शंस, डांसिंग, सिंगिंग, प्लेइंग फुटबॉल या फिर कोई भी स्पोर्ट, आप कोई भी एडिशनल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो अपने फ्री टाइम में अपनी और बेटर स्किल्स को, अपनी और स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, तो उनको हम रिक्रिएशन एंड लीजर एक्टिविटीज़ कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है लाइफ स्किल। दीज लाइफ स्किल्स इंक्लूड प्रॉब्लम सॉल्विंग। लाइफ स्किल्स भी बच्चे की डेवलप होनी चाहिए। लाइफ स्किल्स क्या क्या कवर करती हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, क्रिएटिव थिंकिंग, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल्स, सेल्फ अवेयरनेस बिल्डिंग स्किल्स, एम्पैथी कोपिंग विद स्ट्रेस स्किल्स। तो यही है कि आपके लाइफ स्किल्स के अंदर बेसिकली ये सारे कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड किए जाते हैं जो आप अपने डेली लाइफ में फॉलो करते हो, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑफकोर्स आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इनफैक्ट अगर आप कुछ खाते भी हो तो भी आप सोचते हो आपको किस क्वांटिटी में खाना है, आपकी पसंद का है या नहीं है। अगर आपकी मम्मी पूछे कि आज क्या बनाना है तो आप उनको रिप्लाई दे रहे हो, ये भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का ही कॉन्सेप्ट है, डिसीजन मेकिंग का ही कॉन्सेप्ट है। तो ये सारी हमारी लाइफ स्किल्स के अंडर में आती हैं। इसी के साथ हमारा 1.1 खत्म होता है। अब हम मूव करते हैं हमारे 5.1 खत्म होता है। अब हम मूव करते हैं हमारे 5.2 की तरफ, जिसमें हम प्री एकेडमिक के बारे में पढ़ना है, फंक्शनल एकेडमिक के बारे में पढ़ना है और एकेडमिक्स के बारे में पढ़ना है। ये तीन टर्म्स हमें इसमें समझनी है। तो प्री एकेडमिक बहुत सिंपल सी चीज है, वो सारी नॉलेज और स्किल्स जो आप गेन करते हैं, जो एक बच्चा गेन करता है अपनी फॉर्मल स्कूलिंग शुरू होने से पहले। आपको नाम से ही पता लग रहा है, प्री एकेडमिक स्किल्स, यानी कि जब वो ऑफिशियली किसी स्कूल में जा रहा है उससे पहले जितने भी स्किल्स और नॉलेज को वो गेन कर रहा है वो उसके प्री एकेडमिक स्किल्स में आएगी। जैसे कि कोई बच्चा स्कूल में जाता है तो उसको ये तो पता है ना, जब वो रोता है तो मम्मा मम्मा चिल्लाता है, यानी उसको इतना लैंग्वेज, इतना कॉम्बिनेशन आता है कि वो मम्मा मम्मा बोल ले, उसको पानी पीना तो वो मम मम बोलता है। तो ये बेसिकली थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, बैठना उठना उसको आता होता है, तो ये सारी चीज़ें जो वो स्कूल जाने से पहले सीखता है उसे प्री एकेडमिक स्किल्स कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं फंक्शनल एकेडमिक्स पे। ये अडेप्टिव स्किल्स होती हैं जो डेवलप की जाती हैं सफिशियंटली टू अलाउ पर्सन टू बी सक्सेसफुल इन डेली एक्टिविटीज़। यानी कि फंक्शनल अकेडमिक्स में हम बच्चे को उसकी डेली स्किल्स के लिए ट्रेन करते हैं। इसमें हम बच्चे का ABCD या 1, 2, 3 पे फोकस नहीं करते हैं, बच्चे की फंक्शनल एक्टिविटीज़ पे फोकस किया जाता है कि किस तरह से वो अपनी इंडिपेंडेंट लिविंग को प्रमोट कर सकता है। बच्चे को बाथिंग या फिर टॉयलेटिंग या ब्रशिंग ये सब सिखाया जाता है, खाना खाना सिखाया जाता है, ग्रूमिंग लाइक बाल बनाना, कपड़े पहनना, शर्ट पहनना, पेंट पहनना, बटन लगाना, चैन लगाना, ये सब सिखाया जाता है। एक जगह से दूसरी जगह जाना सिखाया जाता है। मनी मैनेजमेंट भी इसमें आ जाता है कि अगर बच्चा किसी शॉप पे जा रहा है उसको मनी मैनेजमेंट आएगा तो ही तो वो लेन देन कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है अकेडमिक्स। अकेडमिक्स में तो आप सबको ही पता है जो आप अब तक स्कूल में पढ़ते आ रहे हो कि बच्चे की रीडिंग पे, राइटिंग पे, मैथ्स पे, स्पेलिंग पे, इन्वायरमेंटल अवेयरनेसेस पे, इन सारे सेक्टर्स पे फोकस किया जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं 5.3, जिसमें हमें पढ़ना है डेवलपिंग अ करिकुलम फॉर प्री स्कूल प्राइमरी एलिमेंट्री लेवल। हमें करिकुलम के बारे में पढ़ना है कि हमें कैसे प्री स्कूल के लिए, प्राइमरी लेवल के लिए और एलिमेंट्री लेवल के लिए कंडक्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा आता है प्री करिकुलम, प्री स्कूल करिकुलम डेवलपमेंट। अब प्री स्कूल करिकुलम में किस एज के बच्चों के लिए डेवलप किया जाता है? 3 से 5 साल के बच्चों के लिए। पहला ऑब्जेक्टिव क्या रहता है इसका? फोस्टर सोशल इन्वायरमेंटल कॉग्निटिव एंड फिजिकल डेवलपमेंट। बच्चे के सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव और फिजिकल डेवलपमेंट को फोस्टर करना, एनहेंस करना, इम्प्रूव करना। इंक्रेज क्यूरियोसिटी एंड लव ऑफ लर्निंग। ऑफकोर्स बच्चा काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव होगा, उसको जो काम कर रहा है उसको अपने टास्क के, अपने काम से प्यार होगा तभी तो वो कर पाएगा। डेवलप बेसिक मोटर स्किल्स एंड कोऑर्डिनेशन। बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। इससे छोटे बच्चों को क्या होता है कि सर्कल बना देते हैं, यहाँ से स्टिकर उठा के इस पे लगाओ, यहाँ से स्टिकर उठा के इस पे लगाओ, क्यों? ताकि उसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो सके। बच्चों की लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, न्यूमेरेसी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। बच्चों से पूछा जाता है, दो कार्ड दिखा के कि आपको ये चाहिए या ये चाहिए, जिससे बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व करता है, अपना डिसीजन लेता है कि मुझको इन दोनों से क्या चाहिए। बच्चे को दो फ्रूट दिए जाते हैं, एप्पल और बनाना, आपको एप्पल चाहिए, बनाना चाहिए, रेड कलर का कार्ड चाहिए, ब्लू कलर का कार्ड चाहिए, रोज़ चाहिए या सनफ्लावर चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर कंक्लूड की जाती हैं। नेक्स्ट हम आते हैं की कंपोनेंट्स की तरफ। कौन कौन से की कंपोनेंट्स हैं लैंग्वेज एंड लिटरेसी के लिए? यानी कि हम अगर हम बच्चे को
लैंग्वेज सिखानी है तो हम कौन कौन से की कंपोनेंट्स पे फोकस करते हैं। पहला, हम बच्चे को कहानी सुनाते हैं, राइम सुनाते हैं, सॉन्ग सुनाते हैं, अल्फाबेट, रिकॉग्नाइजेशन एंड फोनिक साउंड सिखाते हैं, वोकैबुलरी को इंक्रीज करते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं, लिसनिंग और स्पीकिंग एक्टिविटीज को भी परफॉर्म करते हैं। आपने कभी देखा होगा प्री स्कूल जाके तो बच्चे को मोस्ट ऑफ द टाइम सामने स्मार्ट बोर्ड चला के गाने दिखाए जा रहे होते हैं, उनको डांस करवाया जा रहा होता है, उनको कहानी सुनाई जा रही होती है, कार्टून दिखाए जा रहे होते हैं ताकि बच्चे का कम्युनिकेशन और लैंग्वेज स्किल इन्हेंस हो सके। वहीं मैथमेटिक्स के लिए क्या किया जाता है, बच्चे को नंबर रिकॉग्नाइजेशन और काउंटिंग सिखाई जाती है, अलग अलग ट्रिक्स यूज की जाती हैं। जमीन पे हमने सर्कल बना के 1 2 3 4 लिख दिया तो बच्चा पहले 1 पे जाएगा, फिर 2 को ढूंढ के 2 वाले सर्कल पे जाएगा, फिर 3 को ढूंढ के 3 वाले सर्कल पे जाएगा। इस तरह से वेरियस टास्क हम यूज करते हैं बच्चे को नंबर रिकॉग्नाइजेशन और काउंटिंग सिखाने के लिए। सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी सिखा दिया जाता है, 1 डिजिट का बेसिकली कि 2+5 3+4, जिसमें ना कैरी होता है ना 2 डिजिट होती है, बेसिक एडिशन होता है। शेप पैटर्न्स और सॉर्टिंग एक्टिविटीज के बारे में बताया जाता है, व्हाट इज ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ओवल, सिलेंडर, नहीं ओवल और सिलेंडर वगैरह तो नहीं, 4 शेप्स बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल एंड ट्रायंगल, दैट्स इट। मेजरमेंट कॉन्सेप्ट भी बताया जाता है बच्चे को, साइज, वेट, वॉल्यूम, कि बेटा आपका वेट कितना है, आपकी हाइट कितनी है, ये सब। वॉल्यूम तो नहीं सिखाते खैर प्री स्कूल में, हाल पे काट दो, साइज और वेट ही बस। नेचर एंड साइंस एंड नेचर के बारे में क्या बताया जाता है, कि उनको नेचुरल वर्ल्ड एक्सप्लोर किया जाता है, एक्सप्लोर करवाया जाता है, उन्हें पार्क्स में या फिर स्कूल के गार्डन में लेके जाया जाता है, उनको प्लांट्स, एनिमल्स और वेदर के बारे में बताया जाता है कि सर्दी है, गर्मी है, ये प्लांट है, ये एनिमल है, ये बर्ड है। सिंपल एक्सपेरिमेंट्स एंड सेंसरी एक्टिविटीज उनको करवाई जाती है कि बच्चों को गर्म और ठंडी चीज़ें दे दी जाती है तो उनको ऑफकोर्स सेंसरी एक्टिविटीज उनकी इनहेंस होती है, सेंसरी परफॉर्मेंस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ 5 सेंस, उनको 5 सेंसेस के बारे में पढ़ाया जाता है। EVS में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में सबसे पहले आपके 5 सेंसेस के बारे में बच्चों को बताया जाता है कि टंग क्या होती है, क्या यूज़ होता है एंड एक्सेट्रा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए जाते हैं हेल्थ और हाइजीन से रिलेटेड। नेक्स्ट, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट में क्या होता है कि फ्रेंडशिप और कॉपरेटिव प्ले बच्चे का डेवलप किया जाता है कि ये आपका दोस्त है, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्रेसिव इमोशंस के वो किस तरह से दूसरे के इमोशंस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अपने इमोशंस को किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं, रूल्स और रूटीन्स को याद करवाया जाता है, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंस को इन्हेंस किया जाता है। यही हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो फाइन मोटर, ग्रोस मोटर, फिजिकल एक्टिविटीज़, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। ऑफकोर्स अगर आपको ड्राइंग करनी है तो आपके फाइन मोटर्स का यूज़ होएगा, और ऑफकोर्स अगर आपको रनिंग या जंपिंग करनी है तो आपके ग्रोस मोटर्स का यूज़ होएगा। क्रिएटिव आर्ट्स में क्या होता है कि बच्चे का आर्ट एंड क्राफ्ट पर वर्क किया जाता है, म्यूजिक एंड डांस पर फोकस किया जाता है, रोल प्लेइंग एंड इमेजिनेटिव प्ले करवाया जाता है, ड्रामेटिक प्ले एंड पपेट शो वगैरह दिखाए जाते हैं। यही अब आपको एलिमेंट्री और प्राइमरी करिकुलम होता है 5 से 11 साल के बच्चे के लिए, जिसमें आपको सेम फंडामेंटल्स को याद रखते हुए लिखना है कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, स्किल्स बिल्ड करना, लिटरेसी, न्यूमरेसी वगैरह, क्रिटिकल थिंकिंग समझाना, उनकी क्रिएटिविटी इंकरेज करना और सेल्फ एक्सप्रेशन को भी सपोर्ट करना, सोशल स्किल्स को प्रमोट करना, एथिकल अंडरस्टैंडिंग प्रमोट करना, हेल्थ, वेल्थ और वेलबींग के बारे में सोचना, की कंपोनेंट्स लैंग्वेज के कि उनको हम रीडिंग या स्टोरी टेलिंग करवा रहे हैं, बच्चे का बेसिकली कम्युनिकेशन डेवलप कर रहे हैं। मैथ्स में हमने पहले 1 डिजिट सब्ट्रैक्शन कराया था, अब हम 2 डिजिट या फिर कैरी वाला सब्ट्रैक्शन करा रहे हैं, उसको अब ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं, पहले हमने सिर्फ शेप्स के बारे में पढ़ाया था, अब हम उसको ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं जिसमें वो पैरामीटर और सरकमफेरेंस ये सब सीखेगा, और मेजरमेंट करवा रहे हैं, अब वॉल्यूम भी आ जाएगा, लाइक हाइट वेट के साथ वॉल्यूम भी आ जाएगा। साइंस में बात करें तो हम प्लांट्स, ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेगा, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेगा, किस तरह से हम सांस लेते हैं, किस तरह से क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें बेसिकली आपके एकेडमिक्स की चीज़ें हैं कि कौन कौन सा टॉपिक हम कब कवर करते हैं। जो आपने लेसन प्लान बनाते टाइम ध्यान रखा होगा कि अगर आप प्राइमरी लेवल का बना रहे हो तो आप कौन सा टॉपिक लोगे। नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजीज के बारे में, कौन कौन सी हमें किस किस तरह से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो पहला आता है हमारा चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। हमेशा आप ये चीज़ ध्यान रखो कि आपको हमेशा जब भी पढ़ाना है, चाहे आप बड़े को नॉर्मल टीचर करो या फिर स्पेशल एजुकेटर, जिस भी फील्ड में जाओ, हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को ही ध्यान में रखो। अब मैं आपको बताती हूँ कि पहले क्या होता था, सब स्क्रीन पे देखेंगे तो टीचर समझता था कि मैं एक ऐसा समझ लो टीचर समझता है कि मैं एक ऐसी चीज हूँ जिसको सब पता है, और स्टूडेंट एक ऐसी चीज़ है जिसे कुछ नहीं पता, तो मेरे को अपना ज्ञान स्टूडेंट की बाल्टी में डालना है, ठीक है। तो ये होता है टीचर सेंटर्ड अप्रोच, जिसमें टीचर अपने आप को सेंटर समझता है कि मेरे को सब आता है,
मेरे को बस अपना ज्ञान स्टूडेंट को देना है, उसको आए ना आए, उसको अच्छा लगे ना लगे, बस मेरे को अपना ज्ञान डालना है क्योंकि मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ। यही नेक्स्ट स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच क्या होता है, अब इसको भूल जाओ, टीचर सेंटर्ड अप्रोच को कभी मत फॉलो करो। स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच क्या होता है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, जिसमें हम स्टूडेंट को एक पौधा मानते हैं कि एक पौधा है जिसको टाइम टू टाइम खाद चाहिए, सनलाइट चाहिए, खाद क्या हो गया ये, खाद चाहिए, सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, और फिर इसके जो फल आएंगे, यानी ऐसा भी हो सकता है कि हम इससे कुछ सीखें, हमें इसकी ग्रोथ के बारे में पता चलता है तो हम भी चीज़ें सीखते हैं। अलग अलग प्लांट अलग अलग तरह से ग्रो करता है, तो ऐसे ही हर चाइल्ड अलग अलग तरह से सीखता है, जिससे एक टीचर को भी सीखने को मिल सकता है। तो हमें हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच में ये चीज़ अपने माइंड में बिठा लो। मैंने खुद ने काफ़ी सालों से यही चीज़ माइंड में बिठा रखी है कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच में बच्चे को एक पौधा माना जाता है। आपको लिखना नहीं है कि हम उसको एक प्लांट इमेजिन कर लेते हैं, नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से आप याद कर सकते हो कि टाइम टू टाइम हम बच्चे की ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसे चीज़ें प्रोवाइड करें, उसको सपोर्ट और गाइडेंस प्रोवाइड करें, एंड एडिशनली हम ये भी समझें कि उससे भी हमें कुछ सीखने को मिल सकता है। हम ही सबसे बड़े ज्ञानी नहीं हैं कि टीचर अपने आप को समझे कि मेरे को सब आता है। नेक्स्ट एक्टिव लर्निंग, की हमेशा बच्चे को एक्टिव लर्निंग में पार्टिसिपेट कराना चाहिए, हैंड ऑन लर्निंग, हैंड ऑन एक्सपीरियंस देना चाहिए। ये नहीं बैठ के बस लेक्चर दिए जा रहे हैं, जैसे कि आप तो बड़े बच्चे हो तो आप देख कैसे लेक्चर से सीख सकते हो, बट जो छोटे बच्चे हैं उन्हें नहीं पसंद कि बैठ के उन्हें ABCD सिखाए जा रहे हैं, नहीं, उन्हें एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करो, उन्हें ऐसे टॉयज प्रोवाइड करो कि वो एक ब्लॉक रखेंगे ए का, फिर वो बी का ब्लॉक रखेंगे, फिर वो सी का ब्लॉक रखेंगे, इस तरह से। नेक्स्ट हमें इंक्लूसिविटी आता है कि हमें करिकुलम इस तरह से बनाना चाहिए कि वो हर बच्चे के लिए एसेसिबल हो, इस तरह से नहीं कि हमने बहुत ही अच्छे बच्चे होते हैं जैसे जो मॉनिटर होते हैं या फिर स्पेशल चाइल्ड में जो अच्छे से कैच कर लेते हैं चीज़ों को, उनके अकॉर्डिंग हमने करिकुलम डिसाइड कर लिया, नहीं, हमें एक ऐसा करिकुलम डिसाइड करना चाहिए जो हाई लेवल बच्चे को भी सपोर्ट करे, साथ में जो लो स्लो लर्नर है उसको भी उस लेवल पे लेके आ सके सपोर्ट करने के बिहाफ पे। नेक्स्ट आते हैं हम कॉन्टीन्यूस असेसमेंट। ऑफकोर्स कॉन्टीन्यूस असेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बच्चे का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उसको मॉनिटर कर रहे हैं, उसका असेसमेंट ले रहे हैं, जिससे बच्चे की ग्रोथ के बारे में पता चले, अगर बच्चा कहीं लैग बिहाइंड कर रहा है तो हम वो भी जान सके। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि नॉर्मल स्कूल्स में जो टाइम टू टाइम पेरेंट्स टीचर मीटिंग कंडक्ट की जाती है वो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट के परस्पेक्टिव से ही की जाती है, उन्हें पता होना चाहिए उनका बच्चा कैसे काम कर रहा है, किस तरह से बिहेव कर रहा है और कौन कौन से जगह पे उसको ज़्यादा नीड की ज़रूरत है। तो ऑफकोर्स आपको पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी देना चाहिए। प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोवाइड ऑन गोइंग ट्रेनिंग एंड सपोर्ट टू द टीचर्स। ऑफकोर्स ऐसा नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सिर्फ टीचर ही ज्ञानी बाबू हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, टीचर्स को भी हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। इनफैक्ट अभी तो गवर्नमेंट अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, गवर्नमेंट टीचर्स को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है और स्पेशली एबल्ड चाइल्ड के लिए भी ट्रेन करती है, क्योंकि आज के टाइम में इंक्लूसिव एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, जिसमें हम स्पेशल और नॉर्मल चाइल्ड को साथ में पढ़ाते हैं, तो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, जिसके लिए गवर्नमेंट अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, गवर्नमेंट टीचर्स को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहा है। तो प्रोफेशनल का डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस तरह हम उन्हें टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देते रहें। नेक्स्ट आता है कॉन्क्लूजन, कि इसका कॉन्क्लूजन क्या है। ऑल राउंड करिकुलम फॉर प्री स्कूल एंड प्राइमरी एलिमेंट्री लेवल स्कूल प्ले स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग बाय फोकसिंग ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड एंगेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस एजुकेटेड कैन फोस्टर द ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ एवरी चाइल्ड। यानी कि एक एजुकेटर होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चे के फोस्टर ग्रोथ के लिए, उसके अच्छे से अच्छे भले डेवलपमेंट के लिए, और बेसिकली ये फोकस किया जाता है होलिस्टिक डेवलपमेंट में कि बच्चा हर एंगल से, हर पर्सपेक्टिव से बढ़े। ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई लिखाई में ही टॉप करे, अब अगर बाकी चीज़ों में इंटरेस्ट है तो उसमें एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं 5.4 की तरफ। 5.4 में सिर्फ और सिर्फ आपको प्लस एंड कंपनसेटरी करिकुलम के बारे में पढ़ना है। दिस 5.4 एंड 5.5 इज़ नॉट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसमें से क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो, बट हाँ अगर आपके सिलेबस में गिवन है तो आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो कि प्लस एंड कंपनसेटरी करिकुलम क्या होता है। सो इट इज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड एडिशनल एजुकेशनल सपोर्ट, ये डिज़ाइन किया जाता है एडिशनल एजुकेशनल सपोर्ट को प्रोवाइड करने के लिए और रिसोर्सेज को प्रोवाइड करने के लिए। स्टूडेंट्स में हैव बी डिसएडवांटेज ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, जो स्टूडेंट्स कुछ स्टूडेंट्स अगर लाइक पीछे रह गए हैं अलग अलग फैक्टर्स की वजह से, सच एज
सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड या फिर लैंग्वेज बैरियर की वजह से या फिर लर्निंग डिसेबिलिटीज की वजह से और अदर चैलेंजेस की वजह से। अगर कोई बच्चा किसी कंडीशन या केस या डिसेबिलिटी या फिर एनी अदर रीजन की वजह से पीछे रह गया है तो उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ करिकुलम या फिर कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये होता है हमारा प्लस एंड कंपनसेटरी करिकुलम। आपको नाम से ही पता चल रहा है कंपनसेटरी, यानी कि ये कंपनसेट कर रहा है हमारी या फिर उस बच्चे की खामियों को, जहाँ बच्चा पीछे रह गया उन सब चीज़ों को कंपनसेट करने के लिए ये करिकुलम बनाया जाता है। ध्यान से देखोगे ना तो उस नाम में ही उसका मतलब होता है, बस आपको चीज़ें समझनी होती हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं एन अल्टरनेट करिकुलम। अल्टरनेट करिकुलम क्या होता है, ये डिज़ाइन किया जाता है उन बच्चे की नीड्स को मीट करने के लिए जिन्हें डिफरेंट अप्रोच टू लर्निंग की ज़रूरत है, वट इज़ ऑफर्ड इन द स्टैंडर्ड करिकुलम। यानी कि अगर हम स्टैंडर्ड करिकुलम एक पर्टिकुलर मेथड्स के साथ बच्चे को पढ़ा रहे हैं, पर्टिकुलर टीचिंग अप्रोच के साथ पढ़ा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उस बच्चे को समझ आए। क्या पता उसकी कंडीशन या फिर डिसेबिलिटी ऐसी हो, तो हम उसके लिए एक अल्टरनेट करिकुलम बनाते हैं। नाम से पता चल रहा है अल्टरनेट, यानी कि सेम करिकुलम अप्रोच, सेम सिलेबस बच्चे को पढ़ाया जा सकता है बट एक अलग अप्रोच का यूज़ करते हुए, यानी कि हम एक अलग चीज़ों को, अलग टेक्निक्स को, अलग अप्रोच का यूज़ करके बच्चे को कोप अप करवा रहे हैं। मिनी दिस में इंक्लूड स्टूडेंट्स विद सिग्निफिकेंट कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज। इसमें बेसिकली बच्चे IDD वाले जो बच्चे होते हैं, कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज वाले जो बच्चे होते हैं, या फिर लर्निंग डिफरेंसेस वाले जो बच्चे होते हैं, यानी कि जिन्हें लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया वगैरह, या फिर किसी वजह से वो पीछे रह जाते हैं, और अदर स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। द गोल इज टू प्रोवाइड मीनिंगफुल एंड रिलीवेंट एजुकेशन। तो गोल होता है बेसिकली अल्टरनेटिव करिकुलम का कि हम उन्हें इस तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करें उन इंडिविजुअल्स को, ताकि वो अपना डेवलपमेंट कर सके और प्रिपेयर देम फॉर बियॉन्ड द स्कूल, और उनको प्रिपेयर किया जाता है उनकी लाइफ के लिए बियॉन्ड स्कूल। स्कूल के बाहर भी तो रहना है उन्हें, स्कूल के बाहर भी तो लाइफ है, तो उन्हें उस लाइफ के लिए प्रिपेयर किया जाता है। तो इसी के साथ हमारा थैंक यू हो जाता है, यानी कि हमारा यूनिट नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाता है पेपर नंबर 5 का। इसी के साथ आपका पेपर नंबर 5 डन होता है।